الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या हाल है सबका अल्हम्दुलिल्लाह कल के जुज्म से अहम बातें जी शुरू कीजिए ज़ाहिरी असबाब ना भी हों फिर भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने से कैब से मदद आती है खाले की नाफरमानी में मखलूक अतात नहीं की जा सकती जो भी दें अल्लाह अल्लाह के अल्ला का चेहरा चाहने के लिए दें क्योंकि इससे बड़ी कोई नह, बड़ी नहमत नहीं उठी उस जगह से हिजरत कर लें जहाँ ईमान बचाना मुश्किल हो अक्लमंद मोमन वो है जो मौत को याद करता है जी समझ नहीं आया अकलमंद मोमन वो है जो मौत को याद करता है ठीक तवक्कुल और सब्र के बगैर कोई नेकी का अमल नहीं हो सकता अमल अमल को दुरुस्त करना जरूरी है अल्लाह की बात सुनकर बेहद बेहाई और बुराई नमाज से बचाती लाइक like, नमाज, नमाज बुराई बेहाई से बचाती है okay, ना उम्मीदी के वक्त ईमान के मुनाफी बातें नहीं करनी चाहिए साहिब इलम के साथ बात करने का मामला मुख्तलिफ होना चाहिए और अंदाज भी हर इंसान के ईमान का इम्तहान होता है कि वो किस दर्जे का मुसलमान है वाहम मोहब्बत बढ़ाने के लिए दूसरों की अच्छी आदत पे नज़र रखनी है और बुरी आदत को इग्नोर कर देना जो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर ले हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे अपनी ख्वाह के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करे वो महसिन है ज़मीन व आसमान की असलाह अल्लाह ताला की इत के ज़रिए मुमकिन है सख्त तकलीफ़ और आज़माइश के मौके पर भी हौसला वाली और उम्मीद वाली बात करनी चाहिए अस्सलाम वालेकुम असल पीछे दे मुमिनों में सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हों कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी और मोज़ज़ा है नमाज के जरिए अल्लाह से ताल्लुक कायम रहता है

رَبِّ اشرح لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بذات الصدور هر قسم کی حمد الله كليه جو غالب و बुरदबार और कदरदान है मैं अपने रब की हमद करती हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ उसकी बारगाह में तोबा करती हूँ और उससे बख्शिश तलब करती हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और वो दिलों के भेद जानने वाला है बाईसवा पारा ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً ومن يقنت من لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين वह आतदना लहा रिजकन करीमा और तुम में से जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगी और नेक नकमल करेगी हम उसे उसका अजर दो मरतबा देंगे और हमने उसके लिए उमदा रिस्क तैयार कर रखा है पीछे बात हुई थी गुनाह की कि गुनाह पर अजाब दुगना होगा तो इसी तरह फर्मा बरदारी पर अजर भी दुगना होगा यानी अल्लाह ताला ने नबी अलैहि वम की बीवियों से फरमाया कि जिस तरह तुम्हारे लिए गुनाह पर अज़ाब दुगना है इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी और नेक अमल करने सवाब भी दुगना है क्योंकि जिस तरह तुम्हारे गुनाह में अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी के साथ उनकी ईज़ा भी है इसी तरह उनकी फरमा पर एत के एतात के साथ उनकी ख़ास ख़ुशी भी है एक और वजह यह भी है कि असवाज मतहरात उम्म की उम्मत की बेटियों के लिए एक नमूना है उन्हें देख कर अगर किसी ने गुनाह किया तो उसका बवाल भी उन पर होगा और अगर उन्हें देख कर किसी ने अल्लाह और रसूल की इतात की यानी उनके हालात पढ़ कर उनकी सीरत पढ़ कर तो उसका सवाब भी उन्हीं को मिलेगा और फिर यहाँ पर बशारत ख़ास दी गई वह आतदना अल्ला रिज्क़न करीमा कि हमने उसके लिए उम्दा रिस्क तैयार कर रखा है अजवाज मतहरा को जब इख्तियार दिया गया कि वो अल्लाह के रसूल को चुन लें या फिर दुनिया की रौनक और जीनत को तो उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को हर तरह के हालात में कबूल किया तो अब इख्तियार देने के हुक्म के बायस उनके खर्चे क्योंकि उन उनतीयार देने का जो हुक्म था उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने खर्चे में इजाफ़े का मतालबा किया था तो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दी तो अल्लाह ताला ने अब उनको खुशखबरी दी कि तुम में से जो आखरत की तलब में अल्लाह और रसूल की फर्माबरदारी करेंगी और नेक काम करेंगी हमने उसके लिए बहुत इज्जत वाला रिस्क तैयार कर रखा है यानी अगर दुनिया में तुमने कोई कुर्बानी की है तो आखिरत में उसका बेहतरीन बदला वैसा ही मिलने वाला है और फिर यह भी कहा गया है कि दुनिया में भी अल्लाह सुबहान रिस्क का बेहतरीन बंदोबस्त किया क्योंकि नबी अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसलमानों को बेशुमार फतूहत हासिल हुई, जिसके नतीजे में बहुत सा गनीमत आया जैसे ईरान फ़तह हुआ रूम फतह हुआ तो उसमें बेशुमार खजाने मुसलमानों के पास आए तो इसी तरह खैबर की फ़तह के बाद भी उम का वजीफ़ा मुकर किया गया उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके खुम्स में से हर बीवी को अस्सी वसक यानी दो सौ चालीस मन खजूरें और बीस वसक़ यानी साठ मन जौ दिया करते थे और ये वजीफ़ा आपकी वफात के बाद भी जारी रहा लेकिन एक बात याद रखिए कि जब अजवाज मतहरा के पास माल की फरावानी हुई तो उन्होंने उसी हिसाब से अल्लाह की राह में ख़र्च भी बहुत किया और खुद कनात वाली ज़िंदगी बसर की या नसा अन नबी लस्तमिनसा ऐ नबी की बीवी हो तुम हरगिज आम औरतों में से किसी एक जैसी भी नहीं हो अगर तुम तकबा इख्तियार करो तो मर्दों से नरम लहजे में बात ना करना वरना जिसके दिल में बीमारी है वो तमा कर बैठेगा और तुम मारूफ अंदाज में बात किया करो गोया उमहातुलम का मर्तबा आम औरतों जैसा नहीं बल्कि उन्हें एक ख़ास मक़ाम हासिल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजबाज होने के अतबार से इस एबार से उनका मर्तबा और रुतबा भी दीगर औरतों से बुलंद था तो मतलब यह है कि तुम दीगर औरतों के लिए एक नमूना हो और इसमें कोई शक नहीं कि असवाज मतहरा दूसरी तमाम औरतों से अफजल हैं हाँ हज़रत आसिया जो जोजा फ़िरन है और मरीम बिन इमरान और फातिमा बिन सल्लल्लाहु अलैहि वम इससे मुस्तस्ना है क्योंकि इनकी फ़ज़ीलत के बारे में बाकायदा अदीस मौजूद हैं रसूल अल्लाह सल्हल ने फ़रमाया सारी दुनिया की औरतों में से तुम्हें मरीम बिनत इमरान खदीजा बिन तवालद फ़ातिमा बिन मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया काफ़ी हैं औरतों और पर आयशा रज़ी अल्लाह की फजीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर खरीद की और यहाँ अजवाज को हुक्म यह भी दिया गया कि कअन मारूफा कहें यानी वक़ुल कअ मारूफा कौल मारूफ से मुराद ये है कि अगर लोगों से मर्दों से बात करने की नौबत आए तो साफ़ और सादा अंदाज़ में बात करें जैसे एक नॉर्मल रवैये में बात की जाती है जिसमें कोई लगावट नहीं होती कोई हंसी मज़ाक नहीं होता कोई नरम लहजा नहीं होता तो उमहात को ये नहीं कि मना कर दिया गया कि वो किसी मर्द से बात ना करें बल्कि मारूफ तरीके से बात करें और फिर यह है कि मरूफ में मामूल के मुताबिक बात करना भी आता है जैसे एक भला माना से इंसान कोई बात करता है और उसमें हद से बड़ी हुई सख्ती भी ना हो और ना ही हद से बड़ी हुई नरमी हो बल्कि दरमिया दर्जे की बात हो नॉर्मल वे में बात हो ना उसमें कोई फौहश बात हो ना कोई बुराई की बात हो और ना ऐसा कलाम हो जो बहुत मुजन किया गया हो या शेर व शायरी हो या इस तरह की कुछ चीज़ें और हम देखते हैं कि सहाबा कराम जो थे वो अजवाज मतहरा से सवाल भी किया करते थे तौर पर हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताली उनको तालीम देती थी अबू मुस्शर कहते हैं जब हम अब रसूल सल्ला वसम पर यानी साहब कराम पर किसी भी हदीस में कोई इश्क़ाल पेश आया कोई बात हमें समझने में मुश्किल हुई तो हमने सैदशा से पूछा तो हमने उसके यहाँ उस हदीस के बारे में मालूम पाई उनके पास पहले से नॉलेज होता था माविया रज़ी कहते हैं कि मैंने आशा रज़ी से ज़्यादा बलीग बयान और ज्यादा तेज़ फहम कोई नहीं देखा इंतहाई इंटेलिजेंट थी और इब्ने सा, इबन इब्ने साथ कहते हैं कि इनसे बड़े बड़े सहाबा आकर मसाइल दरियाफ्त करते थे तो अब चूंकि इन्होंने एक मुअल्लिम का रोल भी अदा करना था और जैसे कि आगे आ भी रहा है कि जो तुम्हारे घरों में वही नाजिल होती है उसको उसका जिक्र करो यानी उसकी तालीम दो तो ऐसे में उस तालीम को लेने वाली ख़्वतिन भी थीं और मर्द भी थे तो उस तालीम के देने के अंदाज़ को और गुफ्तु को कम्युनिकेशन को बेहतर रखने की और मरूफ़ तरीके से अच्छे तरीके से करने की तालीम दी गई और इसमें हम सब ख़वात के लिए भी एक नमूना है कि जब हम मर्दों से बात करें ज़रूरत की बात तो करनी पड़ती है बाजुकत कोई लेन देन करना होता है बाजुकत कोई अहम अमूर डिस्कस करने होते हैं जो लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए होते हैं कभी कोई दीनी मसाइल पूछने की ज़रूरत पेश आती है तो ऐसे में हम सब को याद रखना चाहिए कि जो हदूद अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए मुकर की हैं हम उन लिमिट्स को क्रॉस ना करें हम कोई ऐसी बात ना करें कि जो हमारे लिए फितने का बायस हो या किसी दूसरे के लिए मुश्किल का बायस हो और इसी तरह जब भी मर्दों से बात करें तो कोशिश करें कि हंसी मजाक उसमें ना हो और आ, 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 ऐसा अंदाज ना हो कि जैसे हम खातन आपस में फ्रैंकली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं बल्कि ज़रूरत बस बात की जाए ज़रूरत की बात की जाए ज़रूरत से आगे ना बढ़ा जाए और उसमें एक माक़ूल और मरूफ अंदाज़ हो कि जो कोई भी देखने वाला किसी गलत फहमी में ना पड़े वकर निकन्ना वला जाहिलियत तबरुत जी वकुल न थर्टी टू पढ़ी जी पढ़ी इसी की तो शरत थी सारी वकर नफी बुत और अपने घरों में टिक कर रहो और पहली जाहिलियत का सा इजहार जीनत न करो और नमाज क़ायम करो और जक़ात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इतात करो बेशक अल्लाह यही चाहता है अहले बैत कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे अब यहाँ पर औरत के लिए घर से बाहर निकलने के आदाब बताए गए हैं औरत का असल जो स्टेशन है काम करने का वो उसका घर है जैसे कि अजवाज मतहराज से कहा जा रहा है कि अपने घरों में टिक कर रहो यानी तुम्हारी तुम्हारी जो फील्ड ऑफ वर्क है वो तुम्हारा घर है लेकिन औरत ज़रूरतन घर से बाहर निकल सकती है और अगर घर से बाहर निकलना हो तो फिर पहली जाहिलियत का सा इजहार जीनत न करे और उसके बाद नमाज और ज़कवा़ की बात आई यानी इससे ये इससे अंदाज़ा होता है कि ये हुक्म ख़ुन के लिए कितना अहम है कि ज़रूरत अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो किस तरीके से निकलें और फिर बाकी मामला में भी अल्लाह और रसूल की इतात करें तो इसमें ख़ास तौर पर यह जो बात की गई है वो है कि वला तबर्रज ना तबर्रज का लफ्ज़ जो है ये बुर्ज से है बुर्ज कहते हैं हाई राइज को यानि नुमाया चीज़ को यानि औरत बाहर निकलते हुए अपने आप को नुमाया ना करे ना अपने लिबास के ज़रिए ना ही अपनी चाल के ज़रिए ना अपनी गुप्त के ज़रिए बल्कि एक सादा तरीके से निकले और तबर्रुज का लफ्ज़ बेपर्दगी और ज़ीनत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह यह है कि खुशबू लगा कर ना निकले रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत इतर लगाए और इसलिए लोगों के पास से गुज़रे ताकि वो उसकी खुशबू सूँगे तो वो जानिया है यानी इतना बुरा उसको करार दिया गया और इसी तरह बे मौका तबरुज की ममानत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन आदमियों की हलाकत के मुतालिक कुछ ना पूछो उनमें से एक वो औरत जिसका शौहर मौजूद ना हो वो उसकी तमाम दुनियावी ज़रूरियात में उसकी किफ़ायत करता हो और वो उसके पीछे अपनी जेब जीनत ज़ाहिर करें यानी गैर मर्दों के सामने मसला हस्बैंड है आउट ऑफ कंट्री कहीं काम पर गया हुआ है ज़रूरत की तमा, तमाम तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है औरत पीछे अकेली है लेकिन यह है कि वो आ, उसकी ज़ात में ख़यानत कर रही है फिर इसी तरह आप फरमाया शरुनसाकमुतब्रिजातुलमत वनमुनाफिका तो तुम्हारी बदतरीन औरतें वो हैं जो अपनी जेब ज़ीनत की नुमाइश करने वाली और अकड़ कर चलने वाली हैं और यही औरतें मुनाफिक हैं यानी आप सोचिए कि जेब ज़ीनत का इजहार औरत के हक में निफाक की अलामत है फिर इसी तरह रसूल अल्लाह अलैहि वम ने फरमाया जहनमियों की दो किस्में मैंने अभी तक नहीं देखीं उनमें एक वो लोग हैं जिन पास बैल के दुमों जैसे कौड़े होंगे जिससे वो लोगों को मारेंगे यानी ालकमरान दूसरी किस्म उन औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी या तो कपड़े बहुत बारीक होंगे थ्रू होंगे या फिर यह है कि वो इतने स्किन टाइट होंगे कि पूरे जो फिगर्स हैं वो नुमाया हो रहे होंगे माइल होने वाली यानी मर्दों के पीछे जाने वाली और दूसरों को माइल करने वाली यानी उनको अपने से रिझाने वाली उनके सर बुख्ती ऊँट के कुहान की तरह इन्हें सर के ऊपर उन्होंने बाल या जूड़ा एक्स्ट्रा लगा के इस तरह ऊंचा किया हुआ है कि जैसे ऊँट के गर्दन के ऊपर कोहान होती है और वो नुमाया होती है ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल न होंगी न जन्नत की खुशबू पाएंगी हालांकि जन्नत की खुशबू लंबे फ़ासले से आती है यानी दूर दूर से आती है तो इससे आप देखिए कि दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में लोगों की अटेंशन लेने के लिए इंसान ऐसे काम करे और फिर अल्लाह और उसके रसूल के सामने शर्मिंदा हो बल्कि उनका गजब झीले तो इसमें इंसान इंसान के हाथ में क्या है यानी दुनिया की ज़िंदगी कितने दिन की और ये रौनके कितने दिन की हैं और ये जवानी भी कितने दिन की होती है कि जिसमें इंसान बहुत खूबसूरत बन के और बहुत अपने आप को नुमाया करके दूसरों को खुश कर सकता है और उसमें आप देखिए कि इसके पीछे मुझे कभी मकसद भी समझ नहीं आया कि इंसान आखिर अपना अपनी जीनत अपनी खूबसूरती जो कि एक ट्रेजर है औरत के लिए वो गैर मुतलक लोगों के सामने आखिर जाहिर भी क्यों करे इसका मकसद क्या है यानी वट्स द पर्पज़ व्हाट्स द रीज़न क्यों आखिर यानी इंसान थोड़ी देर अपने आप में गौर करे कि वो कि ऐसा क्यों कर रहा है किसको खुश करने के लिए क्या किसी इंसान को खुश करने में अल्लाह की खुशी भी है और अगर अल्लाह ताला की नाराज़गी है तो फिर ये काम क्यों क्यों किया जाए फिर फ़रमाया कि अल्लाह ताला तो तुमसे अहले अहल बैत गंदगी को दूर करना चाहता है और यहाँ अहल बैत से मुराद अजवाज मताहरत हैं क्योंकि उन्हीं से ख़िताब है ऊपर यार निसा अन नबी कह के पुकारा गया है और बाज बायात की रूह से अहल बैत का मसदाक हज़रत अली हज़रत फातमा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन भी हैं और बाज लोग अजवाज को ख़ारिज कर देते हैं बाज़ लोग उनको खारिज कर देते हैं जबकि अतदाल का नुक़ः नज़र क्या है कि अजवाज मतहरा भी अहल बैत हैं और आपके दीगर ख़ानदान वाले हजरत फ़ातमा की औलाद और हजरत अली ये भी अहल बैत में से हैं बजकुरनमा युतला फ़ीबूत कुनमिन आयात अल और अल्लाह की आयात और हकमत में से जो कुछ तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है उसे याद रखो बेशक अल्लाह बहुत बारीक बीन खूब बाबर है वस्कुरना में जिक्र का लफ्ज़ आता है जिक्र खुद याद रखना भी है और उस पर अमल करना और जिक्र करने का मतलब है किसी दूसरे के सामने भी उसका ज़िक्र करना यानी खुद भी इन आयात और अहादीस हमत से मुराद हदीस है जैसे योलम क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और हकमत दोनों की तालीम दी थी और इससे यही कहते हैं कि किताब से मुराद कुरान मजीद और हकमत से मुराद सुनत रसूल सल्लाम है तो इस, इससे पता चलता है एक तो ये पता चलता है कि इसकी इसको पढ़ना भी चाहिए और दूसरा यह है कि इनके पढ़ने में स्वाब भी है जैसे कुरान को पढ़ने में वाब है तो इससे इस्तलाल करते हैं कि हदीस भी कुरान की तरह वाब की नीयत से पढ़ी जा सकती है क्योंकि उससे उससे इंसान को हमत हासिल होती है और बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं अमल में बेहतरी आती है और इससे ये बात भी पता चल रही है कि अहल बैत के घरों में यानी अजवाज मतहारात के घरों में आयात का नज़ुल होता था वही नाजिल होती थी बिलखसूसरत आयशा के यहाँ और इससे ये बात भी अखज़ की जा सकती है कि जिन घरों में क़रआन की तलीम दी जाए जिन घरों में कुरान पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए उन घरों की भी फजीलत है अबू हुरैरा कहा करते थे रज़ी अल्ला बेशक कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है यानी उसमें बरकतें आती हैं उसमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं शाती उस घर को छोड़ देते हैं उसकी खैर व बरकत बढ़ जाती है और क़ुरान ना पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है फरिश्ते उसको छोड़ देते हैं शयातीन उसमें बसेरा कर लेते हैं और उसकी खैर बरकत कम हो जाती है तो इसमें आप देखिए कि हमारे अमूमी रुझान क्या है घरों का सुबह उठकर घरों के अंदर क्या हो रहा होता है और फिर रात के वक्त क्या होता है वो कौन सा वक्त है जो क़ुरान पढ़ने के लिए भी मखसूस है और फिर जो पढ़ते हैं वो भी बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हों अब तो उसको रिप्लेस कर लिया टी वी ने कुछ लोग घर में एंटर होते टी वी ऑन कर देते हैं बलें देखें या ना देखें मुसलसल कभी म्यूज़िक बज रहा कभी है कभी न्यूज़ आ रही हैं कभी एंकर्स बैठे हुए हैं कभी कुछ हो रहा है और अगर कोई घर में क़ुरान पढ़ भी रहा है तो किसी गोशे में बैठ के चुपके से उसको या सिर्फ निगाहों से देख के रीड कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमने किस चीज़ को आगे कर लिया और किस चीज़ को पीछे कर लिया और हमें कल क्या चीज़ काम आने वाली है जब हम इस दुनिया से जाएंगे मुस्लिमीन मुस्लिमात मसलम वमसलिम वमुबमिन वमुबमिनत वल्कान तीन वल्कानता वादी ना वाद़ात बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा मर्द और फर्मा औरतें और फर्माबरदार मर्द और फरमा बरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने, और करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आर्जी करने वाले मर्द और आर्जी करने वाली औरतें और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें अल्लाह ने इनके लिए मखफरत और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है हजरत में सलमा और बागर बाज दीगर साहबियात ने कहा कि क्या बात है अल्लाह ताला कुरान मजीद में हर जगह मर्दों से खिताब फरमाता है औरतों से नहीं तो उस पर यह आयत नाजिल हुई और इसमें औरतों का नाम अलग से लिया गया तमाम अहकाम में वरना कुरान मजीद के जितने भी अहकाम हैं या यूल्लिन आमन कह के पुकारा गया है वो उसमें औरतें खुद ब खुद शामिल हैं सिवाए उन मखसूस अहकाम के जो सिर्फ़ औरतों के लिए यानी कुछ अहकाम सिर्फ़ औरतों के लिए हैं लेकिन बाकी में औरतें और मर्द सब शामिल हैं अताब नबी रबा कहते हैं जो अपने मामलात अल्लाह जवल्ला के सुपुर्द कर देता है वो अल्लाह के इस फरमान में दाखिल है इमसलिमिमिमिमिमिनमस्सलमात और जो शख्स इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह उसका रब है महम्म उसके रसूल हैं और उसकी ज़बान उसके दिल की मुखालफत ना करे तो वह अल्लाह तरमान में दाखिल अवलमिनत और जो फ़राइज में अल्ला की इताात करे और सुन्नत में रसूल की इतात करे तो वो इस फरमान में दाखिल अवल अवलानतिया अवलानित और जो अपनी बातों को झूठ से महफूज़ रखे वो इस फरमान में दाखिल है अवस सादिकात और जो इतात पर सब्र करे और नाफ़रमानी से रुक जाने पर परब्र करे और घटिया कामों से सब्र करे वो अल्लाह के इस फरमान में दाखिल है अवस साबिरात और जो इस हाल में नमाज़ पढ़े कि वह ना जानता हो कि उसके दाएँ बाएँ कौन कड़ाए तो वह इस फरमान में दाख़िल अवलवाशीन अवलवाशात और जो हफ़्ते में एक दिन हम सदका करें वो इस फरमान में दाखिल है वल वल मुतसद्दिकात। और जो हर महीने में तेरह चौदह और पंद्रह तारीख को अयाम बीस के रोज़े रखें तो वो इस फरमान में दाखिल है वसस् आयमिन और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे उस चीज़ से जो हलाल ना हो तो वो अल्लाह के इस फरमान में दाखिल है वल हाफिजीन हम वल हाफिज़ात और जो पाँचों वक्त की नमाज़ें अदा करे वो इस फरमान में दाखिल है वज़ा किरिन अल्लाह कसीरम वज़ा किरात तो अब आप देख लीजिए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो अभी तक हमारी हैबिट नहीं बनी रमज़ान के रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रख ही लेते हैं लेकिन रमज़ान के बाद फिर पता नहीं हमें क्या हो जाता है और हमारा नफ्स हम पे हावी हो जाता है कि नफल रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है इस रमज़ान में ख़ास पर अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए कबूलियत के अवात में कि अल्लाह ताली हमें हर महीने के कम अज़ कम तीन रोज़े रखने की तोफ़ी ज़रूर आ फ़रमाए और वो कभी ना छूटे हमसे अगर पीरियड्स वग़ैरह की वजह से वो दिन मिस हो जाए तो महीने में किसी वक्त भी तीन रोज़े आप रख सकते हैं आप इसी हुक्म में दाखिल हो जाएंगे और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने में ये चीज़ भी आती है कि इंसान नमाजों के अलावा क़ुरान की तिलावत करे नमाज़ों के बाद जिक्र करे सुबह शाम के असकार करे बिस्तर पर जाकर सोने से पहले जिक्र करे नींद से जा कर अल्लाह का जिक्र करे घर से निकलते हुए घर में दाखिल होते हुए खाना खाते हुए और ज़िंदगी के दीगर मकामा पर और वैसे भी कसरत से अल्लाह को याद करता रहे कभी सुबह अल्लाह की तस्वीर करे कभी दुरूश पढ़े कभी इस्तार करे और इसी तरह दीगर असकार की पाबंदी करे क्योंकि अजर बहुत बड़ा है अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है तो उस अजर को पाने के लिए ये आमाल करना ज़रूरी है और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दे तो उनके उस मामले में उनका कोई इख्तियार हो और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो यक़ी व सरी गुमराहि में पड़ गया यह आयत जैनबरों के निकाह के सिलसिले में नाजिल हुई थी हजरत जैन जैद बिन हारिसा जो असला नरब थे लेकिन किसी ने उन्हें बचपन में ज़बरदस्ती पकड़ के बतौर गुलाम बेच दिया था लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा के निकाह के हज़रत खदीजा ने उन्हें रसूल सल्हल को हिबा कर दिया एज़ ए गिफ्ट दे दिया आपने उन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया अब नबी सल आसम चूंकि उनको बेटे की तरह ट्रीट करते थे तो उनके निका के लिए अपनी पुप्पी जद बहन जो थी हज़रत ज़ैनब को अपनी कज़न हज़रत ज़ैनब को निकाह का पैगाम भेजा जिस पर उन्हें और उनके भाई को ख़ानदानी वजाहत की बिना पर कुछ तमुल हुआ कि जैद तो एक आज़ाद करदा गुलाम है क्योंकि उस माशरे में गुलामों की कोई वैल्यू नहीं थी और हमारा ताल्लुक एक ऊँचे ख़ानदान से है जैसे कि आजकल भी बहुत से लोग इस वजह से ज़ात पात के चक्कर में रिश्ता नहीं करते तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों के आगे सर तस्लीम खम करना जरूरी है इसके बाद इस आयत के सुनने के बाद हज़रत जैनब ने अपनी राय पर इसरार नहीं किया अपनी पसंद को छोड़ दिया और शादी के लिए तैयार हो गई लेकिन फिर उनका निभा ना हो सका और जब आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था और आपने भी यानी हजरत जैद कि अपनी बीवी को अपने पास रोक रखो और अल्लाह से डरो यानि वो तलाक देना चाहते थे लेकिन अल्लाह हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोकते थे और आप अपने दिल में जो छुपा रहे थे अल्लाह उसे ज़ाहिर करने वाला था और आप लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि आप उससे डरें फिर जब जैद ने उससे अपनी हाजत पूरी कर ली तो हमने उसका निकाह आपसे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से निकाह के मामले में कोई तंगी ना रहे जब वो उनसे हाजत पूरी कर चुके हैं यानी तलाक दे चुके हैं और अल्लाह का हुक्म होकर रहने वाला है चूंकि इन दोनों के मिजाज में फर्क था ज़ैद और जैनब के दोनों ही बहुत नेक इंसान थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे तो आपस में उनकी बनती नहीं थी क्योंकि जहनी हम महंगी नहीं थी दोनों का बैकग्राउंड फर्क था तो उसका तस्करा हजरत जैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते रहते थे और तलाक देने की ख्वाहिश भी रखते थे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोक देते थे और निबाह करने की तलकिन करते थे जैसे तमाम माँ बाप ऐसे ही करते हैं ना कि अगर बच्चों में कोई अनबन हो तो वो रोकते हैं कि नहीं देखो इतनी जल्दी ना करो टाइम दो एक दूसरे को और इससे पहले अल्लाह सुबहान आगाह भी कर दिया था कि जब अज़र जैद तलाक दे चुकेग तो फिर उनसे आपको शादी करनी होगी तो आप इस बात से डरते थे क्योंकि अरबों के हाँ ये बात बहुत मायूब समझी जाती थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की जाए यानी मुतल हो या बेवा हो वो उसको हकीकी बेटे की तरह समझते थे जबकि अल्लाह सुबह उनकी इस रस्म को तोड़ना चाहता था इसलिए इसलिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जैद को मना करते थे लेकिन फिर वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा, कि जब हज़रत जैद ने तलाक दे दी और उनकी इद्दत पूरी हुई तो नबी वसल्लम ने हज़रत जैद को ही भेजा पैगाम देकर अब सोचिए कि वो अब उनकी बीवी नहीं है लेकिन उन्हीं के जरिए पैगाम भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस्तिखारा ना करूं जवाब नहीं दे सकती तो उन्होंने इस्तिखारा दिया और इतनी देर में अल्लाह ताला ने उनका निकाह आसमानों पर ही कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास चले गए तो बहरहाल इससे मुरा इसकी वजह ये थी इस तरह का ये निकाह करना और ये सारी सिचुएशन एक हकमत के तहत पेश आई थी ताकि एक रस्म को तोड़ा जाए आज भी आप देखें कि लोग जब दीन में आते हैं दीन का इल्म पढ़ते हैं नमाज रोज़ा शुरू कर देते हैं हज जक़ात उम्र वग़ैरह इबादात पर बहुत तवज्जो कर करना शुरू कर देते हैं लेकिन जो रस्म व रवाज हैं और जो कल्चर में ऐसी चीज़ें हैं जो दीन से टकराती हैं उनसे निकलना उनको बहुत मुश्किल लगता है अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो शादी ब्याह के ऊपर रस्में होती हैं बहुत से दीनदार लोग उनको हु बहू वही कुछ कर रहे होते हैं जो एक अनपढ़ इंसान कर रहा होता है क्यों इसलिए कि उसके खिलाफ नहीं जा सकते कि हम ऑड्स में से हो जाएंगे और लोग हमें क्या कहेंगे लोग जीने नहीं देंगे फला क्या कहेगा फला क... और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का बहाना करते हैं कि बच्चे नहीं मानते ठीक है बच्चे नहीं भी मानते इसमें कोई शक नहीं बाज़ुकत बच्चों की ख्वाहिश कुछ और होती है लेकिन फिर यह है कि बच्चों का जहन साजी करना भी हमारा ही काम होता है जिस हद तक हम कर सकें क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर आप किसी वक्त गौर करें कि कितनी चीज़ें हमारी शादियों के अंदर ऐसी हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्ला वसलम के अहकाम से टकराती हैं और उनकी वजह से हम मुश्किल का भी शिकार हैं दुनिया भी मुश्किल में पड़े हुए हैं लेकिन यह है कि उनसे बाज भी नहीं आते उनसे बाहर भी नहीं निकलते तो ये अल्लाह की तोफ़ी से ही हो सकता है तो माशरती रस्म और रवाज को तोड़ना आसान काम नहीं तो ये रस्म ऐसी बुरी थी कि उस माशरे के अंदर जड़ पकड़ी हुई थी कि अगर, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खुद ना तोड़ते तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती थी तो इसलिए अल्लाह तआला ने पहले हुक्म दिया कि जैन का निकाह जैनब से कर दिया जाए और फिर उसके बाद हुक्म दिया कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह करें डायरेक्ट भी आप कर सकते थे जब उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन इस तरीके से क्यों किया गया ताकि ये रस्म ख़त्म हो जाए नबी पर इस मामले में कोई तंगी नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए तय कर दिया अल्लाह का ये तरीका उन लोगों में भी रहा है जो पहले गुजर चुके हैं और अल्लाह का हुक्म एक तयशुदा फैसला है यानी नबी के लिए यह निकाह करना फ़र्ज़ था दूसरे मु... दूसरे, मु... दूसरे मुसलमानों के लिए तो इस तरह का निकाह एक मुबाह मामला है लेकिन यह अल्लाह ने एक फर्ज आयद किया था कि नहीं आपको ये ज़रूर करना है बल्कि अल्लाह ताला ने खुद ही कर दिया और नबी पर जब कोई काम फ़र्ज़ कर दिया जाए तो उसको करना ही होता है आ, और इसी तरह पिछले अम्बिया पिछले लोगों पर भी वो लोग जो अल्लाह के पैगाम पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते लोगों से नहीं डरते ये बड़ी ज़रूरत और हिम्मत की बात होती है ऐसे टैबूस को तोड़ना और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है यानी किसी का डर या खौफ़ उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में माने नहीं होता और ना किसी की लान तान की परवाह होती है हम बहुत से काम क्यों करते रहते हैं जो गलत होते हैं लोगों के डर से एक आम जुमला है जो अक्सर हमारे मुंह पे आ जाता है लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे अगर ना भी कहें तो हम दिल में सोच लेते हैं लोग क्या कहेंगे तो या तो हम फिर लोगों की बंदगी कर लें या फिर अल्लाह की बंदगी कर लें और अल्लाह का नाम हसीब भी है काफ़ी होने वाला हर चीज़ के लिए माकाना मोहम्मद मजाकुम मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं यानी मुँह बोला बेटा अगर किसी का हो तो वो उसका हकीकी बाप नहीं होता जैद बिन हारसा नबी सल वसम के हकीकी बेटे नहीं और वो उनके हकीकी बाप नहीं है लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमनबीन हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है और फिर आप देखें कि चूँकि आप जैद बिन हारसा के बाप नहीं तो इसलिए कोई भी आपको ताना नहीं दे सकता कि आपने अपनी बहू से निकाह कर लिया और यहां यह कह दिया गया कि एक जायद ही नहीं वो तो किसी भी मर्द के बाप नहीं क्योंकि आपके जो बेटे थे वो तो बचपन में ही फौत हो गए थे जितने भी बच्चे थे आपके यानी बेटे बेटियां तो बड़ी हुई तीन तो आपकी ज़िंदगी में फौत हो गई सिर्फ हजरत फातमा बची थी और वो भी आपके जाने के छह माह बाद फौत हो गई तो आपके तीन बेटे कासिम ताहिर तैयब और इब्राहिम जो हज़रत मारिया किप्तिया के वतन से हुए थे और बाकी तीन जो थे खदीजा से थे लेकिन ये सब बचपन में फौत हुए तो इसलिए आपकी औलाद में से कोई भी मर्द नहीं था लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमनबीन हैं, खातम है। मोहर को कहते हैं स्टैम्प को और मोहर कब लगाई जाती है जब कोई चीज मुकम्मल हो जाती है पैक हो जाती है रैप हो जाती है यानी आप पर नबूबत और रिसालत का खात्मा कर दिया गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबूबत का दावा करे वो कज़ाब और दज्जाल है और अहादीस में इस इन बात इस बात को इस कॉन्सेप्ट को बहुत तफसील से बयान किया गया है हज़रत ईसा अलैहि सलाम क़यामत के करीब वापस आएंगे लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से आएंगे वो अलग से नए नबी की हैसियत से नहीं आएंगे और वैसे भी तरतीब में उनकी नबूबत का दौर तो पहले से था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है ना कोई नबी है ना कोई रसूल है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक मेरी उम्मत में तीस कज़ाब होंगे जिनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है और मैं ख़ातम्नबीन हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है या अयोहदी ज़िक्रन कथीरा ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज़्यादा ज़िक्र करना जिक्र आसान काम भी है और अजीम अजर पाने वाला भी है लेकिन जिक्र जो है मौसर तब होता है जब इंसान पूरी तवज्जो के साथ करता है अपने दिल दिमाग को हाजिर करके करता है आप देखें कि जब कोई इमारत बनती है तो उसमें मज़दूर भी होते हैं मिस्त्री भी होते हैं और आर्किटेक्ट भी होते हैं सबसे ज़्यादा हाई सैलरी किसकी होती है सबसे ज़्यादा मशक्क़त किसकी होती है मज़दूर की लेकिन सैलरी उसको सबसे कम मिलती और जो आर्किटेक्ट uh, है वो अपने कंफर्टेबल ऑफिस uh, में बैठा हुआ सिर्फ ड्राइंग्स पे काम कर रहा होता है लेकिन दिमाग सबसे ज़्यादा लड़ा रहा होता है हु? तो उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा तो जो शख्स दिल दिमाग की हाजिरी के साथ कोई भी मेहनत करता है नमाज पढ़े या जिक्र करे या कुरान पढ़े उसका अजर कहीं ज़्यादा बनस्बत उसके के जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, रट रहा रट रहा लेकिन एक तरह से मज़दूरी कर रहा है मगर उसमें वो वो दिलो दिमाग हाजिर नहीं है तो कोई भी काम दिलो दिमाग की हाजिरी से जब किया जाता है उसका उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका अजर बढ़ जाता है। और जिक्र करने वाले सबकत ले जाने वाले लोग हैं और हसन हसन बसरी कहते हैं तीन चीजों में लज्जत तलाश करें नमाज में जिक्र में और कुरान की किरात में अगर आपको इनमें लज्जत हासिल हो जाए तो ठीक वरना जान लें दरवाजा बंद हो चुका है इसके बाद आपको कोई चीज लज्जत नहीं देगी वह सब भी हो बुकर असीला और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो स वही है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते दुआ रहमत करते हैं किस पर ईमान वालों पर ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर अंधेरों से रोशनी की तरफ़ निकाल लाए और वो मोमिनों पर बहुत रहम फरमाने वाला है यानी यहाँ पर सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका माना रहमत भी है जिक्र ख़ैर भी और दुआ भी तो अल्लाह ताला की सलात का मतलब है फरिश्तों के पास तारीफ़ करना और फ़रिश्तों की सलात का मतलब क्या है दुआ रहमत करना दुआ इस्तफार करना तहयत हम योम कौन सलाम अजरन करीमा जिस दिन वो उससे मिलेंगे उनकी दुआ सलाम होगी और उसने उनके लिए उमदा अजर तैयार कर रखा है अल्लाह सुबहान अहले ईमान को सलाम करेंगे सलाम कऊला फरिश्तेमान वालों को सलाम करेंगे आपस में भी उन दोनों की, आपस में भी मुसलमानों की दुआ अहल जन्नत की दुआ सलाम होगी लिहाजा कसरत से सलाम की आदत डालें अरसल शाहिदम व मुबशरम नबी बेश ने आपको गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है बाज लोग शाहिद का मतलब हाजिर नाजिर कर कहते करते हैं लेकिन मुराद इससे हाज़िर नाज़िर नहीं क्योंकि शाहिद का असल माना यहाँ है गवाह यानी आप अपनी उम्मत की गवाही देंगे उनकी भी जो ईमान लाए और उनकी भी जो नहीं माने कि उन्होंने माना नहीं और क़्यामत वाले दिन अहले ईमान को आप अलैहि वसल्लम उनके वज़ू के आज़ा के चमकने की वजह से पहचान लेंगे और तौरात में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत बयान हुई है शाहिद वाली और इसमें आप देखिए कि बशारत को नजारत पर मुकदम किया गया है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में बशारत यानी खुशखबरियां देने का पहलू ज्यादा गालिब था वदाइयन इलाल्लाहि भी इधनी ही वो मुनीरा और उसके इजन से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और रोशनी करने वाला चराग नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के जरिए कुफर और शर के अंधेरे दूर हुए हैं आपके जरिए रोशन दिन हमें मिला है जिसकी रात भी दिन की तरह है वह बशमी फद्ला और आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि यकीनन उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है किस चीज़ की खुशखबरी के दुनिया में भी अल्लाह की मदद आएगी आप अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत देगा उनके गुनाहों को बख्श देगा उनकी तकलीफ़ें दूर कर देगा उनको रिस्क करीम अता करेगा उनको खुशकन नेमतें अता करेगा और सबसे बड़ा फजल तो जन्नत है फजल कबीर से मुराद जन्नत और जन्नत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और आप काफिरों और मुनाफिकों की बात ना मानिए और उनकी अजियत रसानी को नज़रअंदाज कर दीजिए और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और काफ़ी है अल्लाह कारसाज़ हिफाजत करने वाला किफ़ायत करने वाला वमै तवक्ल अल्लाफ हसबू जो कोई अल्लाह पर तवक्ल करेगा वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा या अयोहदीना आमनु इदाना कह तुमिन ईमान वालो ए लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो यानी रुख्सती से पहले ही तलाक हो गई तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत नहीं जिसे तुम शुमार करो बस तुम उन्हें कुछ दे दिला दो और भले तरीके से उन्हें रुख़त कर दो यानी अगर महर मुकर किया गया हो तो निसफ देना होगा वरना हसब कुछ ना कुछ उन्हें दे के इज़्ज़त एहतराम से रुख़त करना होगा यानी ये मुतल का हक है यानी तलाक होने का मतलब ये नहीं कि ईमान का रिश्ता ही ख़त्म हो गया और किसी किस्म का कोई अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही यानी दुश्मनों वाला सलूक शुरू कर दिया जाए ये हमारे दीन में नहीं है ठीक है एक औरत किसी मर्द की बीवी नहीं रहती लेकिन बहरहाल ज़रूरतन कभी औलाद के मामले में या किसी और मामले में कोई आ, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो ऐसी सूरत में इंसान एक दूसरे के, के लिए अजाब ना बने एक दूसरे के साथ अना का मसला ना रख यानी अना का मसला ना बनाए क्योंकि बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि तलाक के बाद बिल्कुल ख़ानदान भी कट जाते हैं सलाम दुआ भी ख़त्म हो जाती है ईमानी रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं और एक दूसरे से नफरतें और अदाबतें और इल्ज़ाम तराशी और झूठ के पलंदे एक दूसरे पर फेंके जाते हैं ये इस्लामी रवैया नहीं है बस हो गया सो हो गया अगर कोई पूछे भी कि भी क्यों तलाक हुई बस अल्लाह का अल्लाह की तकदीर थी अल्लाह के इज़न से निका हो तो अल्लाह के इज़न से बस तलाक होगी बस इसके बाद कोई बात करने की जरूरत ही नहीं अब क्यों आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं क्यों आप किसी के ऐप खोलते हैं क्यों आप किसी दिलचस्पी लेते हैं कि पता चले कि क्या रीज़न में क्या आपने उस डाटा को कहीं इस्तेमाल करना है आप किसी रिसर्च पर हैं क्यों पूछते हैं ऐसी बातें और क्यों किसी की प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत करते हैं और उनको बार बार एम्बेरस करते हैं शर्मिंदा करते हैं तो ऐसे में यह है कि इंसान तलाक भी दे तो आसान तरीके से गुड बाय करें और गिफ्ट दे के और अच्छे तरीके से रुख्सत करें और एक नॉर्मल ताल्लुक जैसे और लोगों के साथ होते हैं इसी तरह के दोनों फैमिलियो के तलुकत होने चाहिए यही दीन का तक है नबी बेशक हमने आपके लिए आपकी बीवियां हलाल कर दी हैं क्योंकि आपने ज्यादा निकाह किए थे अल्लाह के इजन से हुक्म से बा मसलों के तहत जिन्हें आपने उनके महर अदा कर दिए हैं तो इससे ये पता चलता है कि मेहर अदा करके बीवी हलाल होती है और वो लौंडियाँ भी जो आपकी मिल्कित में हैं उसमें से जो अल्लाह ने आप पर बतौर गनीमत लौटाया है और आपके चचा की बेटियाँ और आपकी पुपियों की बेटियाँ और आपके मामुओं की बेटियाँ और आपके मामों की बेटियाँ और आपकी खालाओं की बेटियाँ वो जिन्होंने आपके साथ हिजरत की और वो मोमिन औरत भी जो अपना आप नबी के लिए हिबा कर दे अगर नबी उससे अगर नबी उससे निकाह का इरादा करें और और वो मोमिन औरत भी जो अपना आप नबी के लिए हिबा करे अगर नबी उससे निकाह का इरादा करें ये इजाज़त मोमिनों के लिए नहीं सिर्फ आप के लिए ख़ास है हम खूब जानते हैं जो हमने जो हमने उन पर उनकी बीवियों और लॉन्डियों के मामले में फ़र्ज़ किया है ताकि आप पर कोई तंगी ना हो और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है याद रखिए कि ये उनकाम में से है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थे जैसे बाज़ोल्लम के नज़दीक के आमुल लैल तजुद जो था वह आप पर फ़र्ज था सदका लेना आप पर हराम था तो इसी तरह कुछ और भी खसूसियात हैं आपकी इसमें बाकायदा मजमून लिखे गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थी और ये उनमें से एक चीज़ है कि आपके लिए ये तमाम यानी कि के निकाह के, यानी चार से ज्यादा का निकाह हलाल किया गया और फिर उस पर तादाद की पाबंदी नहीं रखी गई और लेकिन फिर यह कि जब अजवाज मतहरा ने आपको चुन लिया तो उसके बाद फिर आपके लिए आपको रोक दिया गया कि इनके बाद अब आप किसी और से निकाह नहीं करेंगे और फिर यह है कि जहां तक मेहर का ताल्लुक है तो आप ने हर बीवी को मेहर अदा किया का महर नजाशी ने दिया था का मंत इनमें से जिसे आप चाहें अपने से अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिन्हें आपने अलग कर दिया हो उनमें से किसी को अपने पास बुला लें तो भी आप पर कोई गुनाह नहीं है ये ज़्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो और वो सब की सब इस पर राज़ी रहें जो भी आप उनको दें और अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है और अल्लाह बहुत इल्म वाला बहुत हिल वाला है यानी बीवियों के दरमियान बारियाँ मुकर करने में भी आपको इख्तियार दिया गया कि जिसकी बज बारी चाहें रखें जिसकी चाहे मौकूफ़ कर दें यानी जिससे आप चाहे ताल्लुक़ क़ायम रखें और जिससे चाहे ना करें लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उनका हक़ दिया इसके बाद दीगर औरतें आपके लिए हलाल नहीं यानी जब अजवाज मतहरा ने दुनिया की रौनक और जेब जीनत पर आपको तरजीह दी तो फिर उसके बाद आपको दीगर निकाहों से मना कर दिया गया इसके बाद दीगर औरतें आपके लिए हलाल नहीं हैं और न ये हलाल है कि आप इनके बदले कोई दूसरी बीवियां ले आएं अगर अगरचे उनका हुसन आपको पसंद भी आए सिवाय उनके जो आपकी बिल्कियत में है और अल्लाह हर चीज पर खूब निगरान है ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम नबी के घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक कि तुम्हें इजाजत न दी जाए खूस खाने की तैयारी का इंतजार न करते रहो लेकिन जब तुम्हें दावत दी जाए तो आ जाओ फिर जब खा चुको तो मुंतशिर हो जाओ और बातों में मशगूल ना हो जाया करो बेशक ये बात नबी को तकलीफ़ देती है तो वो तुमसे शर्माते हैं और अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता और जब तुम उनसे कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो ये बात तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के लिए ज़्यादा पाकिज़ा है और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दो और न यह जायज़ है कि तुम आपके बाद आपकी बीवियों से कभी निकाह करो क्योंकि वो महातुलमोमिन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनसे किसी का भी निकाह जायज़ ना रहा बेशक ये बात अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है इस आयत का शान नजूल यह है कि नबी वसल्लम की दावत पर हज़रत ज़ैनब के वलीमे में, में साहबा कराम घर तशीफ़ लाए जिनमें से बा खाने के बाद बैठे रहे उससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई लेकिन आप हया और अखलाक की वजह से उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकते थे तो यहाँ पर दावत के आदाब भी बाकायदा बता दिए गए कि उस वक्त जाओ जब खाना तैयार हो चुका हो क्यों पहले क्यों ना जाकर बैठो वो घर वाला परेशान होगा भी खाना पकाऊं किचन को देखो ये तुम्हें अटेंड करूं मेहमान को छोड़ता है तो वो बुरा लगता है और किचन को छोड़ता है तो वो बुरा लगता है तो ये हम सब को यानी सिर्फ अजवा मतहरात या उनके लिए हुक्म नहीं था या मदीना में रहने वाले मुसलमान मुसलमानों के लिए ये हम सब के लिए हुक्म है कि अगर कोई बुलाए तो टाइम पूछें किस वक्त आएँ और उसी टाइम पर जाएं उससे पहले जाके कर नहीं वो मैं असल में यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा जाके कर यहीं नमाज़ पढ़ लूँ और यही थोड़ा सा आराम कर लूँ जब तक आपका टाइम हो जाएगा भाई क्यों आप किसी और का की सिलेक्शन कर लें नमाज पढ़ने के लिए और आप उसी वक्त पर जाएं जब वो यानी जब आपको बुलाया गया है क्योंकि बाज़ुकत हम दूसरों को बिला वजह तकलीफ़ देते हैं डिस्टर्ब करते हैं और कहते हैं तो वो तो हमसे बहुत फ्रैंक है वो नहीं माइंड करते ये सोच के वो नहीं माइंड करते और रात जाते हैं, दूसरे के घर घुस जाते हैं तो इजाजत के बगैर भी नहीं जाना चाहिए और फिर यह है कि दूसरा हुक्म क्या था कि खाना खाते ही घरों को वापस चले जाओ क्योंकि बाज लोग जब उनको खाना मिल जाता है सारा दिन तो खाया कुछ नहीं होता कि आज दावत का खाना खाना है लिहाजा जब अच्छी तरह पेट भर लेते हैं तो फिर उसके बाद उठने को उनका दिल नहीं चाहता भारी भी हो जाते हैं और इन्जॉय भी करने लगते हैं अब मीठा आ रहा है अब चाय आ रही है अब पान आ रहा है अब तो ऐसी सूरत में बहुत सारा वक्त जो है वो अहले खाना का ज़ाया हो जाता है और उनके लिए मुश्किल क्या होती है कि अब उन्होंने किचन समेटना भी है उन्होंने घर को नॉर्मल रूटीन पे भी लाना और सुबह काम पे भी जाना है या बच्चों ने भी सोना है तो ऐसी सूरत में ख़ासतौर पर रात की अगर दावत हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि ना अपनी नमाज लेट करें और ना दीगर लोगों की क्योंकि बाद लोग तो बहुत लेट नाइट तक फिर बैठे रहते हैं और उसमें इशा भी देर से हो जाती है उस वो भी डिले हो जाती है और इसी तरह यह है कि जब खाने के लिए या किसी और काम के लिए किसी के घर दाखिल हो तो इजाज़त ले के दाखिल हो बग़ैर इजाजत किसी के घर में मत जाओ और फिर एक और ख़ास हुक्म यहाँ अजवाज मतहरा को दिया गया कि इसको आयत हिजाब भी कहा जाता है और और वो ये कि महरम मर्दों के सिवा आपके घर कोई ना आए और जिसे भी ख़ुत से कोई काम हो वो पर्दे के पीछे से बात करे खा कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत हो या कोई बात या दीनी मसला पूछने की यानी अजवाज मतहरा के सामने ना आए और उनके घर में भी दाखिल ना हो और इस आयत के उतरते ही ये हुक्म नाफिज हो गया अनस कहते हैं मैं नबी सल वसम का खादिम था बग़ैर इजाज़त तलब किए घर में आता जाता था एक दिन में आया तो आपने फरमाया मेरे बेटे ठहर जाओ तुम्हारे बाद एक आयत नाजिल हुई है अब बग़ैर इजाजत अंदर ना आया करो कितने ऐसे होते हैं मुस्लिम फर्मा बरदार हुक्म आ गया है अब ऐसे ही करना है और हम कहते हैं कि अच्छा जरा अभी सोच लेंगे फिर देखेंगे कि कब करेंगे इन्तु इन्नल्लाह कान इन तुबई अन ओ तो्लाई इन आलिमा अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है औरतों पर कोई गुनाह नहीं अपने बापों के सामने आने में और न अपने बेटों के और न अपने भाइयों के और न अपने भाइयों के बेटों के और न अपनी बहनों के बेटों के और न अपनी औरतों के और न अपने ममलूकों के और औरतों अल्लाह से डरती रहो बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब गवाह है पर्दे के हुक्म के बाद घरों में मौजूद रिश्तेदारों या आने जाने वालों के बारे में अब अहकाम दिए जा रहे हैं कि वो रिश्ते हैं ये वो रिश्ते हैं जिनको महरम रिश्ते कहा जाता है इनसे पर्दे की जरूरत नहीं है अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दुरूद और खूब खूब सलाम भेजते रहा करो तुम भी उन पर दुरूद और खूब खूब सलाम भेजते रहा करो इस आयत में नबी वसल्लम के उस मर्तबे और मंजिलत का बयान है जो आसमानों में आपको हासिल है और वो क्या है कि अल्लाह तबारक आपकी तारीफ़ करते हैं फ़रिश्तों में आप पर रहमतें भेजते हैं और फरिश्ते भी आपकी बुलंदी दर्जात की दुआएं करते हैं और इस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों को भी हुक्म दिया कि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम पर सलाद भेजें इस तरह ऊपर नीचे आलमी में और आलम सफली दोनों में ही आपकी तारीफ़ जारी हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के मसनून अल्फाज हमें मिलते हैं हदीस की किताबों में और एक बार दुरूद भेजने पर दस रहमतें आती हैं और सलाम का तरीका हमें नमाज के अंदर सिखा दिया गया अलैका वसलाम्क्यू नबी रहमतुल्लाहि व बरकतु तो ये का जवाब है तो जो शख्स एक मरतबा दरुद पढ़ता है उस पर दस रहमतें नाजिल होती हैं दस गुनाह माफ होते हैं दस दर्जात बुलंद होते हैं लिहाजा क्या मुश्किल है कि हम काम काज करते हुए दुरुशरीफ़ साथ, साथ पढ़ते चले जाएँ और दुरूद की वजह से अगर हम और दुआएँ ना भी मांग सकें तो भी सारी दुआएँ पूरी हो जाती हैं किफ़ायत कर जाता है और बरकतें भी हासिल होती हैं रसूल सल्ला व्ल् ने फरमाया मुझ पर दुरूद भेजा करो क्योंकि मुझ पर दुरुद भेजना तुम्हारे लिए बास बरकत है और मेरे लिए अल्लाह से वसीला का भी सवाल किया करो बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत की है और उनके लिए रसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है इज़ा देने का मतलब क्या है कि ऐसे काम करना जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं वरना तो अल्लाह ताला को कौन कुछ कर सकता है कोई तकलीफ़ तो नहीं दे सकता लेकिन अल्लाह ताला को तकलीफ़ किस बात पर होती है जब एक तरफ हम इस्लाम का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उसी के ख़िलाफ़ काम करते हैं और इबन आदम और एक और चीज़ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी है, है इबन आदम मुझे ईजा देता है यानी ज़माने को गाली देता है यानी ज़माना बड़ा बुरा हो गया तो ये नहीं कहना चाहिए हालांकि मैं ही ज़माना हूँ इसके दिन रात दिन की गर्दिश मेरे ही हुक्म से होती है और बाजू का तुम कहते हैं ना फला के गज रफ्तार और इस तरह के जुमले शेर व शायरी में आते हैं तो ये भी नहीं बोलने चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह ताला नाराज होता है अब देखिए सूरज जब से सूरज को अल्लाह ने निकलने का हुक्म दिया दिन और रात बन रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना उनका क्या कसूर है गलतियां तो इंसान कर रहे हैं ज़मीन पे फसाद फैला रहे हैं। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ देते हैं बग़ैर किसी कसूर के जो उनसे सरजद हुआ तो यकीनन उन्होंने बोहतान तराजी और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देने के अलावा मोमिन मर्दों और औरतों को भी अजियत नहीं देनी चाहिए किसी को दुख ना दें किसी को दुख ना दें तकलीफ़ ना दें उन चीज़ों से परहेज़ करें कि जिससे दूसरा दुखी होता है नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है वो ना उस पर झुल्म करता है ना उसे जलील करता है ना उससे झूठ बोलता है ना उसे हकीर समझता है और आपको मालूम है ज़बान से किसी को अजियत देना इसमें दोनों चीज़ें आती जबान हाथ सब आता है जबान से किसी को अजियत देना जहन्नम में ले जाने वाले कामों में से है अब हुरारा कहते हैं एक आदमी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फ़ुला औरत कसरत से नमाज रोज़ा और सदका करने में मशहूर है लेकिन वो अपनी जबान से पड़ोसियों को सताती है फरमाया जहन्नमी है नमाज रोज़ा हज हज़ात सब कुछ है लेकिन जबान की तेज है हम कहते हैं हाँ उसकी जबान जरा ऐसी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी जबान तो दिल के साथ जुड़ी हुई है जबान तो वही बोलती है जो दिल में होता है अगर दिल का कोई अच्छा हो तो कैसे बुरी बात जबान से निकल सकती है यानी अगर मेरा दिल किसी से खुश है तो मैं उसके साथ बुरा रवैया तो नहीं अख्तियार कर सकती हो ही नहीं सकता फिर उसने कहा अल्लाह के रसूल फुला औरत नमाज रोज़ा और सदक़ा की कमी में मशहूर है वो सिर्फ़ पनीर के चंद टुकड़े सदका करती है लेकिन अपनी ज़बान से पड़ोसियों को नहीं सताती आपने फ़रमाया वो जन्नती है तो ईमान वालों को अजियतें देने वालों को क़्यामत के दिन अजियतें दी जाएंगी

तमाम मुसलमान ख़वात आ जाती हैं इसमें क्या कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें ये ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएंगी कि उनका आउटडोर ड्रेस जो है उसे देख के दूर से पहचान जाएंगे कि मुसलमान औरत है तो वो सताई ना जाएगी यानी उस माहौल में जहाँ लोग औरतों को छेड़ करते थे उनकी बेहजाबी की वजह से और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है तो ये जलाबीब का लफ्स यहाँ इस्तेमाल हुआ है जिसका सिंगुलर जलबाब है जल्बाब बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा बदन ढक जाए यानी बाजू बाज़ुकत हम घर के कपड़े पहन के निकल आते हैं और सोचते हैं हमारा जिसम तो ढका हुआ है क़ुरान में मुसलमान औरतों को जलबाब यानी घर के ड्रेस के ऊपर एक ऐसा ड्रेस पहनने की ज़रूरत है जिससे अंदर का सारा ड्रेस जो है वो छुप जाए जिसम भी छुप जाए और ज़ीनत वाले कपड़े भी छुप जाएं और याद रखिए कि यहाँ खिमार का लफ्स इस्तेमाल नहीं हो रहा जिलबाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और अहल लुगत कहते हैं हुकल खिमार। ये खिमार के ऊपर यानी जैसे आप स्काफ़ पहनते हैं ना नीचे एक जिससे बाल वग़ैरह बांधते हैं उसके ऊपर एक चीज़ पहनने की ज़रूरत है कि जिससे बाल वग़ैरह नज़र भी ना आए और उसके अलावा यानी पूरे सीने को भी कवर करें और नीचे तक आपके जाए और इसीलिए लोग गांव यानी उसको सी लिया शुरू में तो ऐसे सिलाइयाँ वगैरह नहीं होती थी सादे लोग थे लेकिन बाद में सहूलत के लिए उसको बटन वग़ैरह लगा लिए सी लिया और लॉन्ग ड्रेस पहन लिया और उसके ऊपर फिर एक और चीज़ ओढ़ी जिससे सीना और सारी चीज़ें ढक जाए इब्ने अब्बास कहते हैं और इब्ने मसूद भी ये बड़ी ऊपर ओढ़ने वाली चादर है और इसका कुछ हिस्सा ऊपर से लटकाएं भी और इसी से फिर निकाब का हुक्म लिया जाता है कि जब और फिर अगर यानी कि इस तरह पहने के ऊपर से भी घूंघट निकला हुआ हो और नीचे से भी चेहरा जो है वो ढका हुआ हो ताकि जब कम्युनिकेशन मर्दों के साथ करें तो एक बाहया औरत की तरह करें और ये उमा मोमिनीन के अलावा बाकी मुसलमान औरतों के लिए भी ये अहकाम हैं हज़रत आशा कहती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल वसलम के साथ फजर की नमाज़ पढ़ती थी हमने अपनी ओढ़ियाँ लपेटी होती थी जब हम नमाज से फारिग होकर वापस जाती तो अंधेरे की वजह से कोई किसी के चेहरे को पहचान नहीं सकती थी कोई किसी को पहचान नहीं सकती थी इसी तरह सलमा कहती हैं जब औरतों के मतलब ये हुक्म नाजिल हुआ तो अंसारी औरतें जब बाहर निकलती तो ऐसे लगता उनके सरों पर कब्बे बैठे हुए हों उन स्याह चादरों की वजह से जो अपने सरों पर लेने लग गई थी यहीं से फिर वो स्याह ब्लैक अबाया का सिलसिला चला अगर मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना में गलत अफवाहें उड़ाने वाले बाज ना आए तो हम आपको जरूर ही उन पर मुसलत कर देंगे फिर वो इसमें आपकी हमसायगी में कम ही रह सकेंगे यानी मुनाफिकीन की फोहश आदात का यहाँ बयान किया जा रहा है कि वो औरतों को किस तरह तंग करते थे तो फरमाया कि अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर उनकी शहमत आएगी लानत किए गए जहाँ कहीं वो पाए जाएंगे पकड़ लिए जाएंगे

और आपको क्या खबर शायद क्यामत करीब ही हो बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है उसमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं वो अपना कोई दोस्त और मददगार न पाएंगे उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे वो कहेंगे काश हमने अल्लाह की इतात की होती और रसूल की इतात की होती चेहरे उलट पुलट जैसे कबाब तला जाता ना कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ और वो कहेंगे ऐ हमारे रब हमने अपने सरदारों और बड़ों की इतात की तो उन्होंने हमें असल रास्ते से भटका दिया ये जो सरदारों की बड़ों की अंधाधुंध तकलीद होती है और अंधाधुंध किसी को फॉलो करना होता है और बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर दलील और बग़ैर इल्म के ये इंसान के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है कि वो फलां बड़ा कह रहा था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ने इंसान को ने अक़ल दी है आंखें और कान दिए हैं वो खुद भी हक की तलाश करे के असल हुक्म क्या है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के अलावा मेरी उम्मत के लिए ज्यादा खौफनाक गुमराह करने वाले इमाम हैं यानी ऐसे लोग जो लीडरशिप के रोल पर होंगे और लोगों को सही बात बताने की बजाय गलत बातें बताएंगे और वो भटकाएंगे लोगों को तो इंसान को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो किसको फॉलो कर रहा है किसकी पैरवी कर रहा है और आज के दौर में तो ये इतना और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि हर तरह के जो स्पीकर हैं और हर तरह के स्कॉलर्स हैं चाहे वो सही हैं या नहीं हैं वो उनकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे लिहाजा हर चीज़ फॉरवर्ड हो रही होती है और यहीं से लोग फिर बाजुकात भटक भी जाते हैं ए हमारे रब इन्हें दुगना अज़ाब दे और इन पर बहुत बड़ी लानत फरमा क्योंकि इन्होंने हमें भटका दिया ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा को अजियत दी थी यानी तुम अपने पैगम्बर को ऐसे अजियत मत देना तकलीफ़ ना देना तो जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उसे अल्लाह ने तो जो बात यानी लोगों ने कही तो जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उसे उससे बरी कर दिया और अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बाइज्जत था सुबहान अल्लाह ताला ताली मूसम की तारीफ़ कर रहे हैं वकाना हिंद वजीहा ये है असल इज्जत कि किसी की कदर इज्जत और, और मंजिलत अल्लाह के हाँ हो इसकी तमन्ना करनी चाहिए इसकी ख़्वाहिश रखनी चाहिए और इसके लिए मेहनत करनी चाहिए हम लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए और लोगों की नज़रों में जचने के लिए अल्लाह को नाराज़ करते रहते हैं लिबास के ज़रिए गुफ्तु के ज़रिए तौर तरीक़ों चाल चलन और कामों के ज़रिए तो इसमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है तो अहिल ईमान को नबी सल वम का इकराम समझाया जा रहा है क्योंकि एक मौके पर मालिक गनीमत की तकसीम में एक शख्स ने कहा कि नबी सल्लिम नेदलानसाफ़ से काम नहीं लिया जब आप तक ये बात पहुँची तो आप नाराज़ हुए आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया मूसा पर अल्ला की रहमत हो उन्हें इससे कहीं ज़्यादा अजियत दी गई लेकिन उन्होंने सब्र किया यानी बनी इसराइल ने उनकी कौम ने उनको तरह तरह से सताया और आप देखें कि एक गाय ज़बा करने का हुक्म दिया कहा तो मजाक करते हो और फिर सवाल पे सवाल और फिर कहा अल्लाह से दुआ करो खुद ही पूछ के आओ पता करके दो क्या करना क्या नहीं करना और फिर जब कहा इतात करो समय ना व असही ना और फिर किताब में तब्दीली और यानी बेशुमार चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने पैगम्बर को अजियत दी तो आज मुसलमानों को मना किया जा रहा है कि वो ऐसा कोई काम ना करें ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और बिल्कुल सीधी बात किया करो जूमानी बातें और फिर बल फेर दे के इधर उधर की यानी हर मामले में इंसान को स्ट्रेट फारवर्ड होना चाहिए स्ट्रेट फारवर्ड होने का ये मतलब नहीं कि इंसान बदतमीज़ और बद अखलाक हो जाए और जो दिल में हो एकदम मुंह से निकाल के दूसरे के मुंह पे दे मारे यह मतलब नहीं है इसका इसका मतलब यह है कि कतादा कहते हैं अदल पर मबनी बात हो हसन बसरी कहते हैं सच्ची बात हो कौल सदीदा दुरुस्त तीर की सीधी और इसकी दुआ भी मांगनी चाहिए अल्लाईदा व सदाद अल्लाह मैं तुझसे हिदायत और सही सच्ची जबान का सवाल करता हूँ एक और दुआ भी अल्ला वी अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा और सीधा रख और हिदायत का नाम लेते वक्त सीधे रस्ते को सीधे रस्ते पर चलने को जेन में रखे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट और सीधा करने की दुआ के, के वक्त तीर को सीधा करने की तरह अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बनाए वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल की असलाह कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इतात करे तो यकीन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली ये है असल कामयाबी बेशक हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया और वो इससे डर गए और इंसान ने इसे उठा लिया बेशक वो बड़ा जालिम बड़ा जाहिल है अमानत का मतलब क्या है अपनी आज़ाद मर्जी से अल्लाह के अहकाम की इतात की जिम्मेदारी लेना इसके अलावा अल्लाह ने बंदे को जो नेमत भी दी है वो क्या है अमानत है अब्दुल्ल इबन अमर कहते हैं शर्मगा अमानत है कान अमानत है आँख अमानत है ज़बान अमानत है पेट अमानत है हाथ अमानत है पाँव अमानत है जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं यानी इन चीज़ों को मिस यूज़ नहीं करना चाहिए गलत इस्तेमाल इनका नहीं करना चाहिए इंसान की अपनी जान भी अमानत है इसीलिए खुदकुशी से मना किया गया अल्लाह की नाफरमानिया करके खुद पर जुल्म करना यह भी दुरुस्त नहीं तो बहरहाल मुराद इससे यह है कि अल्लाह ताला के कुछ अहकाम ऐसे हैं जिन्हें हर हाल में मानना ही है और जो शख्स मानेगा पसंदीदा अमूर को इख्तियार करेगा उसके लिए जन्नत है तो असल में ये ज़िम्मेदारी सारी मखलूक पर पे पेश की गई कि कौन अल्लाह की इतात अपनी मर्ज़ी से करेगा तो इतात करने पर उसे जन्नत मिले और जो नहीं करेगा फिर अपनी चॉइस से उसके लिए जहनम है तो ये पेशकश आसमानों ज़मीनों पहाड़ों को की गई वो इस जिम्मेदारी को उठाने से डर गए और उन्होंने क्यों डर गए कि अगर ना पूरी कर सके तो जानना में ना जाए लेकिन जब इंसान को ये पेशकश की गई तो उसने ये जिम्मेदारी उठा ली तो इससे भी पता चलता है कि आसमान ज़मीन और बाकी चीज़ें जो हैं बज़ाहिर बेजान लगती हैं लेकिन इनके अंदर भी एक शूर है ये चीज़ें शौर भी रखती हैं ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मशरक मर्दों और मशरक औरतों को अजाब दे और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबान हो जाए और अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है सूरत सबा। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जिसकी मिल्कियत में वो सब कुछ है जो आसमानों और जमीन में है और आखिरत में भी सब तारीफें उसी के लिए हैं, और वो खूब वाला खूब बाखबर है यहाँ वजह क्या गई कि सब तारीफें क्यों उसके लिए हैं? क्योंकि सारी कायनात का निज़ाम वही संभाले हुए है हर चीज में जो खूबी डाली उसने वो उसी की डाली हुई है उसी की अता करदा है तो बस र में अगर किसी इंसान की भी तारीफ़ हो रही हो तो दरअसल दिल में यही होना चाहिए कि अल्लाह ने इसको दिया है और वो भी अल्लाह ही को क्रेडिट जाता है उसी की तारीफ़ है और आखिरत में तो हर एक की ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह होगा सिर्फ़ अल्लाह ही की तारीफ़ हो रही होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करेंगे उन अल्फाज से अल्लाह की हमद बयान करेंगे जो जिससे पहले कभी नहीं की होगी वो जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ इससे निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है और वो नहायत रहम करने वाला बहुत बख्शने वाला है और जिन लोगों ने कुफ्र किया कहते हैं हम पर कयामत नहीं आएगी यानी कयामत का इनकार करते हैं आप कह दीजिए क्यों नहीं मेरे रब की कसम जो गैब का जानने वाला है वो यकीनन तुम पर ज़रूर आएगी एक ज़र्रे बराबर चीज़ भी उससे छुपी हुई नहीं न आसमानों में और न ज़मीन में और न इससे छोटी और न बड़ी मगर एक वाज किताब में है हर चीज़ का रिकॉर्ड है हर ज़र्रे का और ज़र्रे को भी तोड़ के जो एटम उसका उसका भी यानी उसके एटम के अंदर भी जो चीज़ें हैं उसका भी रिकॉर्ड अल्लाह के यहाँ मौजूद है कुछ भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं अल्लाह का इल्मा कुर्सी हर चीज़ को घेरे हुए है ताकि वो उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए अच्छा बदला दे यही वो लोग हैं जिनके लिए मफफ़रत और उमदा रिस्क है और वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को नीचा दिखाने की कोशिश की यही वो लोग हैं जिनके लिए बदतरीन किस्म का अजाब है आयत को नीच आयत का मुकाबला करना आजिज़ करना नीचा दिखाना किस तरह कि कभी कहा जाए ये जादू है कभी कहा जाए शेर है कभी कहा पहले लोगों के अफसाने हैं और लोगों को उससे रोका जाए तो ये सब उसमें शामिल होता है और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया वो देख लेंगे कि जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से उतारा गया है वो सरासर हक है और वो बहुत ज़बरदस्त खूब तारीफ वाले रब के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है और यहाँ रोइत से मुराद यरा से मुरा रोइत कलबी है यानी इल्मनी सिर्फ़ आंखों से देखना नहीं और इससे मुराद अहले अहल इल्म से मुराद सहाबा भी हैं और आम मोमिन भी हैं जो इल्म रखते हों जो इस बात को जानते हों और यकीन रखते हैं जो इस बात को जानते और यकीन रखते हैं और जिन लोगों ने कुफर किया कहते हैं क्या हम तुम्हें इस शख़्स के बारे में बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम पूरी तरह रेजा रेज़ा कर दिए जाओगे तो बेशक तुम ज़रूर एक नई पैदाइश में होगे यानी मजाक के तौर पर ये बातें करते थे क्या उसने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया है या उसे जुनून लाक है मानते नहीं थे वो समझते थे कि अपने पास से कह रहे हैं ये सब कुछ बल्कि वो लोग जो आखरत पर ईमान नहीं लाते वो अजाब में और बहुत दूर की गुमराही में है यानी वो इतना दूर निकल गए कि उन्हें असल बात समझ नहीं आ रही नबी सल वसम की रसालत को पहचान ही नहीं पा रहे तो क्या इन्होंने क्या तो क्या इन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा जो आसमान और ज़मीन में और इनके आगे पीछे है अल्लाह की निशानियां तो देखें अगर हम चाहें तो इन्हें जमीन में धंसा दें या हम इन पर आसमान से कुछ टुकड़े गिरा दें नहीं ये नहीं मान रहे तो हम इन्हें सजा देने पर पूरी तरह कादिर हैं लेकिन अल्लाह ने हर एक को मोहलत दी हुई है बेशक इसमें हर रुझू करने वाले बंदे के लिए जरूर एक निशानी है और बिलाशुबा हमने दाऊद को अपने पास से बड़ा फजल अता किया ए उसके साथ तस्बी किया करो और ऐ परिंदो तुम भी और हमने उसके लिए लोहे को नरम कर दिया सलाम को अल्लाह तला ने नबूबत के अलावा बहुत सी ख़ूबियों से नवाज़ा था और उस और इन नमतों के अलावा जिनका जिक्र इस आयत में हुआ है एक और बड़ी ज़बरदस्त नियमत थी और वो थी ख़ूबसूरत आवाज़ जिसके ज़रिए वो अल्लाह तला की तस्बी पढ़ते हिम्स पढ़ते जो ज़बूर में उनको दी गई थी तो उस आवाज को सुनकर पत्थर के ठोस पहाड़ भी तस्बी खानी में मसरूफ हो जाते यानी एको होने लगता उड़ते परिंदे ठहर जाते और वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बी में मसरूफ हो जाते सुभान अल्लाह ये अल्लाह जिसको चाहे जिस चीज से नवाज दे ये अने अमल साबिगात वक़द्दर फिस्सर्द ये कि कुशादा जिरे बनाओ यानी अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जो लोहा नरम करके दिया तो फरमाया कि इससे जिरे बनाओ और कड़ियां जोड़ते वक्त हल्के ठीक अंदाज पर रखो और नेक अमल किया करो यानी टेक्नोलॉजी अपनी जगह इंडस्ट्री अपनी जगह लेकिन उसके साथ साथ अमल अच्छे करो जो कुछ तुम अमल करते हो मैं उसे खूब देखने वाला हूँ जो कुछ तुम किया करते हो मैं उसे खूब देखने वाला हूँ यह लफ्स साब आया है पूरी लंबी जने जो लड़ने वाले के पूरे जिस्म को पूरी तरह ढांक लें और दुश्मन के वार से महफूज़ रहें तो ये सब से पहले अलैहिस्सलाम ने इसल तैयार किया था और फिर ख़ास तौर पर आप देखिए अल्लाह ताली अहमद दे रहे हैं कि कड़ियाँ जोड़ने में कील इतने बारीक ना हो कि जोड़ जोड़ हरकती ही करते रहे ढीले ढाले हों और ना इतने सख्त हों कि वो हल्का तंग हो जाए और वह टूटी जाए और पहना ना जा सके और इन नियमतों के बदले अमल साले के जरिए शुक्रगुजार बनो वली सुलेमान और सुलेमान के लिए हवा को मुसर कर दिया उसका सुबह का चलना एक माह की मसाफत और उसका शाम का चलना भी एक माह की मसाफत का था और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया पिघला हुआ तांबा और जिन्हों को भी उसके लिए मुसक्र किया जो उसके रब के इजन से उसके सामने काम करते थे मुशक्र थे और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करता हम उसे भड़कती हुई आग का मज़ा चखाते थे भसम होकर रह जाता था तो सलमान के बारे में आता है कि वो अपने तख्त पर बैठ जाते और हवा को हुक्म देते जिस तरफ उन्होंने जाना होता तो वो तख्त उठाती और जैसे बादल जा रहे होते हैं ऐसे वो उनको ले जाती सुबह के वक्त इतनी दूर तक जितने में एक मुसाफिर एक महीने में पहुंचे चल चल के या, ओ, सवारी पर तो वो इतनी तेज़ी से वहाँ पहुँच जाते थे समझे चंद घंटों में हम समझते हैं, हमने जहाज़ बनाकर बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है अल्लाह सुबहाना ने ये नेमत जो है वो उड़ने की और सारे सारे सामान और लाओ लश्कर के साथ ये सलमान सलाम को अता की थी और इसी तरह सुबह को जाते महीने के मुनाफ़ मुसाफत पर और शाम को वापस आ जाते यानी एक दिन में एक दिन में दो महीनों की मुसाफत तय करते थे कितना कितना दूर एक्सपीडिशन पे जाते होंगे और फिर उनके लिए तांबे के चश्मे बहा दिए गए और उससे उन्होंने बड़े बड़े बर्तन और चीजें बनाई और फिर जिन्नात को उनके ताबे किया जो जिन भी सरकशी करता फरिश्ता उसको मारता और जल के भसम हो जाता वो उसके लिए बनाते थे जो वो चाहता था बड़ी बड़ी इमारतें ये जिन्नात की तामीर है और ये कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा जो है इसके ऊपर तो जो भारी भारी पत्थर लगे हुए आप में से कोई गया किसी ने देखा जी जी तो उस यानी उस तामीर को देखें तो वीडियोज़ में भी देखें तो हैरत होती है कि इतने भारी पत्थर किस तरह ऊपर रखे गए तो बाज़ यही कहते हैं कि जिन्नात ने ही तामीर किया था उसका स्ट्रक्चर और मुजस्मे और हौजों की तरह के लगन यानी पुरपुरपोर्ण जितना एक बड़ा थाल नहीं होता जैसे लगन लगन को क्या कहते हैं अंग्रेजी देख नहीं देख तो और टब नहीं होते जैसे बड़े बड़े टब और गड़ी हुई देखे यानी इतनी बड़ी भारी देख पीतल की कि कोई उठा नहीं सकता था उसको उसके अंदर ही जैसे वो अजमेर शरीफ में कहते हैं ना कि वह जो देग है उसके अंदर सीढ़ी लगी हुई है और फिर नीचे से खाना ले जाके उसके अंदर गिराया जाता है और पता नहीं क्या होता है तो तो उनके लिए भी क्योंकि उनके लश्कर बहुत बड़े थे बहुत बड़े पैमाने पे खाना चाहिए था अल्लाह ने इसबाब भी पैसे ही पैदा कर दिए ए आले दाऊद शुक्र करने के लिए अमल करो ए मलू आला दाऊद शुक्रा और मेरे बंदों में से कम ही शुक्रगुजार हैं यानी नेमतें तो बहुत लोगों को मिलती हैं लेकिन शुक्र अदा नहीं करते शुक्र अदा होता है नेक आमाल करके सिर्फ ज़बानी बातें करके नहीं और महारीब जो है मेहराब की जमा है बुलंद महल्लात आलीशान इमारतें मसाजिद और तमासील ये जो मुजस्मे हैं ये गैर हैवान चीज़ों की होती थी किसी जानदार की तस्वीर नहीं होती थी और जफ़ान जवाब जाबिया की जमा जफ़ान जफना की जिसमें हौज यानी जिसमें पानी जमा किया जाता है हौज जितने बड़े लगन और देगे और कहा जाता है कि ये देगे पहाड़ों को तराश कर बनाई जाती थी जिनको इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे हज़ारों अफराद का खाना वक्त पक जाता था और ये सारे काम जिन्नात करते थे फिर जब हमने उस पर मौत का फ़ैसला किया तो जिन्हों को उसकी मौत की ख़बर ज़मीन के कीड़े दीमक ने दी जो उसका असा खा रहा था फिर जब वो फिर जब वो गिर पड़ा तो जिन्हों पर वाजे हो गया कि अगर वो गैब का इल्म रखते होते तो रसवा को नजाब में मुब्तला ना होते असल जमाने में सलमान के ज़माने में जिन्नात जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे थे तो लोगों के अंदर ये मशहूर हो गया कि जिन गैब जानते हैं और आज तक ये बात हमें हमारे लोगों में मशहूर है कि गैब का इल्म पता कर चोरी किसने की वो फ्लां जो गुम शुदा है वो कहाँ चला गया तो ढूंढ के लाओ तो यदि कुछ लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने जिन मुशर किए हैं और उनसे काम लेते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए कि हज़र सलमान के बाद किसी के लिए जायज़ नहीं तो बहरहाल उनके ज़माने में ये मशहूर हो गया कि जन्नात गैब की खबरें जानते हैं तो अल्लाह ताला ने सलमान सलाम की मौत के ज़रिए यह बात वाज कर दी और इस अक़ीदे का फसाद जो है उसको क्लियर कर दिया कि अगर वो गैब जानते होते तो सलमान सलाम की मौत के बाद वो उनके कामों में ना लगे रहते क्योंकि उनके अलावा तो कोई और उनसे काम ले भी नहीं सकता था लक़द कान सभा मस्कन हिम आया बिलाशुबा कौम सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी खूबसूरत जगह थी वो दाएं और बाएं तरफ दो बाग थे अपने रब के रिस्क में से खाओ और उसका शुक्र अदा करो उम्दा शहर और खूब बख्शने वाला रब सबा वही कौम थी जिसकी तरह मलका सबा या मलिका बिल्कीस जो थी वो मंसूब है जो हज़रत सलमान के ज़माने में मुसलमान हो गई थी तो कौम ही के नाम पर मुल्क का नाम भी है और आजकल यमन के नाम से इलाका मारूफ़ है यमन बहुत ख़ुशहाल मुल्क था बड़ी और बहरी तजारत में भी बहुत मुमताज़ था ज़रात और बागबानी में भी बड़ा नुमाया था और ये दोनों चीज़ें ही तजारत और ज़रात ये किसी कौम की तरक्की का ज़रिया बनती हैं जन्नतानिया यमीन व कहते हैं कि शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जिससे जिनसे चश्मों और नालों का पानी बह बह के शहर में आता और उन्होंने बड़े बड़े दरमियान में बांध बांधे हुए थे और उनके साथ फिर बागात लगाए थे और पानी का रुख भी उनकी तरफ वही डाला हुआ था और उसकी वजह से खूब फल और फूल और बहुत कुछ उगता था यानी इन्हें फिर पानी की कमी नहीं होती थी तो इनसे इनसे कहा गया कि ये भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं इनके पास आइडियल सिटी है जिसमें ये रहते हैं क्योंकि शुक्र जो है वो नेमतों का मुहाफ़ है और याद रखिए इबादत का हर काम शुक्र है नमाज पढ़ना शुक्रगुजारी है रोज़े रखना शुक्रगुजारी है सदका खैरात करना शुक्रगुजारी है मेहमानों की खिदमत करना शुक्रगुजारी है हर खैर का काम नेकी का काम जो इंसान अल्लाह के लिए करता है वो शुक्रगुजारी है और उसका सबसे अफजल कलमा अल्हम्दुलिल्लाह कहना है हसन बसरी कहते हैं अल्लाह जिसे चाहता है नेमतों से फ़ायदा पहुंचाता है और अगर उन नेमतों का शुक्र अदा ना किया जाए तो उन्हीं को अजाब में तब्दील कर देता है वही नेमतें बला बन जाती हैं तो न, श, यानि शुक्रगुजारी नेमतों की मुहाफिज है नेमतों को खे उन नेमतों को खेच लाती है जो है नहीं और जो है उनको प्रोटेक्ट करती है लेकिन इन्होंने शुक्र नहीं किया दाऊद सलाम तो शुक्र अदा करने वाले थे अल्लाह ने उनकी नियमत बरकरार रखी लेकिन ये, ये कौम शुक्र गुजार नहीं थी तो हुआ क्या वह आ रद उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हमने उन पर बंदोड़ सैलाब भेज दिया और उन्हें और हमने इन्हें इनके दो बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमजा फलों छाव के दरख्तों और कुछ थोड़ी सी बेड़ियों वाले थे यानी सैलाब आया सब कुछ बहा के ले गया और उसके बाद जाड़ जंकार उगना शुरू हो गई सई लारिम बन तोड़ सैलाब और फिर इसके बाद यानी वो सारी जरखेज मिट्टी जो थी वो बह गई और इनके पास कुछ ना रहा सिवाय कड़बे को सैले फलों के तो इससे पता चलता है कि नाफरमानियां नियमतों के छिन जाने का सबब होती हैं और नाफ़रमानियाँ नेमतों के लिए आग की हैसियत रखती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है ना तो अल्लाह की नाफ़रमानी भी नेमतों को जवाल पजीर कर देती है इनका जारी का जजई ना हम बिमा का फरु इनकी नाशुक्री का हमने उन्हें यह बदला दिया और हम सख्त नाशुकरे को ऐसा ही बदला देते हैं सख्त नाशुकरे को ऐसा ही बदला देते हैं कि उसकी नमतें उससे छिन जाती हैं वजह बुम वही नारकना फ़ी हा कुराहन वी हसैर और हमने उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी चंद नुमायाँ बस्तियाँ बनाई थी और जिनकी मसाफत हमने अंदाजे पर रखी थी तुम इनमें रातों और दिनों को अमनो अमान से चलो पिरो तो उन्होंने कहा ऐ हमारे रब हमारे सफरों के दरम्यान दूरी पैदा कर दे और उन्होंने खुद अपनी जानों पर म किया और हमने उन्हें अफसाने बना दिया और हर तरह से मुकम्मल तौर पर रेजा रेजा कर दिया बेशक इसमें भर बहुत सबर करने वाले बहुत शुक्र करने वाले के लिए यकीनन बड़ी निशानियां हैं और बिलाशुबा इबलीस ने उनके बारे में अपना गुमान सच कर दिखाया मोमिनों के एक ग्रोह के सिवा सबने उसकी पैरवी की इब्ने कुताबा कहते हैं किब इबलीस ने जब यह दरखास्त की कि मुझे ढील दी जाए तो अल्लाह ने उसको ढील दे दी उसने कहा मैं ज़रूर बहकाऊँगा इनको और गुमराह करूँगा ये बात कहते हुए उसको यकीन नहीं था कि वह वाकई ये कर सकेगा ये नहीं उसने एक दावा तो कर दिया गुमान की बुनियाद पर यह बात कही लेकिन लोगों ने उसका गुमान सच कर दिया जो वो करना चाहता था वो उन्होंने उसको करने दिया यानी अपने साथ वो सब करने दिया जो इबिलीफ उनके साथ करना चाहता था क्योंकि उसको आइडिया तो नहीं था कि बंदे कितनी बात मानते हैं और उसका उन पर कोई जोर ना था मगर इसलिए कि हम जान लें कि कौन इनमें से आखिरत पर ईमान रखता है और कौन है जो उसके बारे में शक में है और आपका रब हर चीज पर खूब निगहबान है कह दीजिए पुकारो उनको जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा मबूद समझते हो वो आसमान और ज़मीन में एक ज़र्रे के बराबर भी किसी चीज़ के मालिक नहीं और ना उनके लिए इन दोनों में कोई हिस्सा है और ना उनमें से कोई उसका मददगार है तो फिर क्यों पुकारते हो उनको जिनके हाथ खाली हैं जिनके पास कुछ भी नहीं और उसके पास सिफारिश भी कोई फ़ायदा ना देगी सिवाय उसके जिसके लिए वो ख़ुद इजाज़त दे दे यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो वो कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या फरमाया वो कहते हैं हक फरमाया और वो बहुत बुलंद बहुत बड़ा है यानी आसमान पर अल्लाह का फैसला नाजिल होते वक्त ये फरिश्तों की हालत होती है इसकी तफसीलात अहादीस में मिलती हैं कह दीजिए कौन तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रिस्क देता है कह दीजिए कि अल्लाह ही और बेशक हम या तुम यकीनन हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में हैं कह दीजिए न तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा जो हमने जुर्म किए और ना हमसे उसके बारे में पूछा जाएगा जो तुम अमल करते हो कह दीजिए हमारा रब हमें जमा करेगा फिर वो हमारे दरमियान हक के साथ फ़ैसला करेगा और वो ज़बरदस्त फैसला करने वाला खूब जानने वाला है कह दीजिए मुझे दिखाओ तो मुझे वो तो दिखाओ जिन्हें तुमने उसके साथ शरीक बनाकर मिला दिया है हरगिज नहीं यानी वो तो शरीक है ही नहीं बल्कि वो अल्लाह बहुत ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है यानी वही काफ़ी है मबूद होने के लिए और हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं ये मोहम्मद सल्ला वम की ख़ासपत है बाकी अम्बिया के मुकाबले में कि आप तमाम इंसानियत के लिए रसूल हैं कि आमद तक के लिए आपने फरमाया पहले अम्बिया ख़ास अपनी कौमों की हिदायत के लिए भेजे जाते थे लेकिन मुझे तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया है और ये कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो कह दीजिए तुम्हारे लिए वादे का एक दिन मुकर है जिससे ना तुम एक घड़ी पीछे हो सकते हो और ना आगे बढ़ सकते हो वाली कफर हु और जिन लोगों ने कुफर किया कहने लगे हम हरगिज़ इस कुरान पर ही नहीं लाएंगे और ना ही उस पर जो इससे पहले है और काश आप देखें इन जालिमों को जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे वो एक दूसरे की बात को रद्द कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे वो लोग जो कमज़ोर समझे जाते थे तकबर करने वालों से कहेंगे अगर तुम ना होते तो यकीनन हम मोमिन होते ये कुफ़ार मक्का का हद से ज़्यादा कुफर और इनाद था जिसकी वजह से वो कुरान और कुरान से पहले नाजिलशुदा किताबों को मानने को तैयार ही नहीं थे वो लोग जिन्होंने तकबर किया उन लोगों से कहेंगे जो कमज़ोर समझे गए थे क्या हमने तुम्हें हिदायत इख्तियार क्या हमने तुम्हें हिदायत इख्तियार करने से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी बल्कि तुम खुद ही मुजरिम लोग थे यानि दुनिया के लालच में एक दूसरे के पीछे जाने वाले लोग आमद के दिन एक दूसरे को मुजरिम कहेंगे और वो लोग जो कमज़ोर समझे गए थे तकब्बर करने वालों से कहेंगे बल्कि ये तो तुम्हारी दिन और रात की चाल थी जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफर करें और उसके लिए कोई शरीक ठहराएँ और जब वो अजाब देखेंगे तो नदामत को छुपाएँगे और जिन लोगों ने कुफुर किया उनकी गर्दनों में हम तोक डाल देंगे और वो इसी का बदला दिए जाएंगे जो कुछ वो किया करते थे और वो उसी का बदला दिए जाएंगे जो कुछ वो किया करते थे तो यहां देखें कि कि अपनी गुमराही का इल्जाम हर कोई दूसरे को दे रहा होगा कि तुम्हारी चालों और साजिशों ने हमें हिदायत से रोक रखा और दोनों को दोनों फरीक के आमद के दिन अपनी न... शर्मिंदगी और नदामत छुपाएंगे मासलनाफी नवीर वमा अरसल नाफ़ी ख़रीत नफूम उर्सल तुम भी काफिरून और हमने जिस बस्ती में जो भी ख़बरदार करने वाला भेजा उसके खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिसके साथ तुम भेजे गए हो हम उसका इनकार करने वाले हैं यानी अम्बिया की दावत की मुखालफत करने वाले लोग खुशहाल और मतकबर लोग रहे हैं वालू नहन अक्सर अम्बालाम उदा व माँ नहनु बन और उन्होंने कहा हम माल और औलाद में ज्यादा हैं और हम हरग़ अजाब दिए जाने वाले नहीं हैं ये था सबब उनके इनकार का माल औलाद की कसरत की वजह से उनके दिमाग चल गए थे और वो समझते थे कि यह अल्लाह की रजामंदी की दलील है कि हमें माल भी बहुत मिला औलाद भी बहुत मिली तो इसका मतलब अल्लाह हमसे राजी कह दीजिए मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और तंग कर देता है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं यानी दुनिया की खुशहाली अल्लाह की तरफ से बस एक आजमाइश है किसी को दे के आजमाता है और किसी से ले के आजमाता है वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे नहीं जो तुम्हें मर्तबे में हमसे करीब कर दें जो कोई ईमान लाया और उसने नेक अमल किए तो उन लोगों के लिए दुगना बदला है उसके अवज़ जो उन्होंने अमल किए और वो बाल खानों में अमन से होंगे फिल महुम फिल्ला याद रखिए औलाद तो दुनिया में भी काम नहीं आती आखिरत में क्या काम आएगी एक सीनियर मुस्लिम ताजर से किसी ने पूछा कि अल्लाह ने आपको पचानवे साल की उम्र दी है यानी एक सदी पूरी तकरीबन तो इस लंबी जिंदगी में आपने क्या सीखा क्या तजुर्बा किया पहले तो वो चुप रहे फिर बड़े संजीदा अंदाज में कहने लगे कोई तजुर्बा नहीं बस पैदा हुए बड़े हुए तो बिजनेस में लग गए शादी हुई बच्चे पैदा किए बच्चों को सेटल किया अब आखिर उम्र में बच्चों का दुख झील रहे हैं और मौत का इंतज़ार कर रहे हैं ये कमाया है यानी बच्चे तो और ये हर घर की कहानी है और हर माँ बाप का यही हाल है कि वो अपनी सारी मोहब्बतें बच्चों पर फोकस कर देते हैं और उनकी वजह से सारे काम और नेकी के छोड़ देते हैं हाई मेरा बच्चा वो आ रहा है वो जा रहा है वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और जो हमारी अपनी ज़ात है वो भी बुला देते हम और अपनी इबादत और नेकी के काम और सारे सब कुछ ख़त्म हो जाता है लेकिन होता क्या है बच्चे बड़े ही बेवफा निकलते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी अलग ज़िंदगी बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं और यहाँ तो आप देखें कि थोड़े से बड़े होते हैं तो कहाँ है बच्चा मूव आउट कर गया सिंपल सी बात है मूव आउट यानी माँ बाप को दूसरे लफ्जों में कहना वो हमें छोड़ गया है ये नहीं कोई कहता हु? तो अब आप देखें कि माँ बाप भी सारी खुशियाँ औलाद में ढूंढते हैं और हर तरह से उन्हीं को खुश करना चाहते हैं और इसी में जिंदगी बिता देते हैं लेकिन जवाबन उनको ज्यादातर क्या मिलते हैं गम गम ही गम और ख़ास तौर पर आखिरी उम्र में तो याद रखिए औलाद की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत को घाटे में नहीं डालना हलाल हराम की परवाह किए बग़ैर उनके लिए सब कुछ बना रखें तो ये दुरुस्त नहीं तो बात माल और औलाद अल्लाह के तकरब की बजाय अल्लाह के गुस्से का सबब बन जाते हैं हाँ ईमान और अमले साले के जरिए माल और औलाद अल्लाह के यहाँ तकर्रब का जरिया बनती है यानी जो बच्चे नेक होते हैं वालदेन के फिर इताद गुजार फर्मा बरदार होते हैं फिर वो दुनिया में भी काम आते हैं और आखिरत में भी उनके उनके अमाल सदका जारिया बन जाएंगी और दुआएं काम आएंगी और जो लोग हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं यही लोग अजाब में हाजिर किए जाने वाले हैं यानी अल्लाह की आयात को नीचा दिखाने वाले हर वक्त अजाब में रहेंगे हाजिर रहेंगे गायब नहीं होंगे कह दीजिए कह दीजिए बेशक मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और तंग कर देता है और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो तो उसकी जगह वो और देता है और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है यानी मोमिन के फ़ायदे के लिए ही उसका रिस्क तंग होता है और जिस इंसान को पूरा पूरा मिलता है और लेकिन वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होता है तो वो उसके लिए कामयाबी का ज़रिया बनता है और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने पर दुनिया और आखरत दोनों में वापस मिलता है फरिश्ते भी दुआएं करते हैं और जो ख़र्च करता है अल्लाह ताला भी उस पर ख़र्च करता है अल्लाह ताला फरमाते हैं यबना आदम अनफिक उनफ़ अलय ए आदम के बेटे तू खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूँगा तू दे मैं तुझे दूँगा ये है अल्लाह का इसलिए सदका करने से देने से माल कम नहीं होता माँ नबी वसल्लम ने कसम का के ये बात कही माँ नकसत कसत सदाक़त उनमें कोई सदका माल में कभी नहीं लाता उससे माल बढ़ता ही है और जिस दिन वो आ, और जिस दिन वो उन सब को इकट्ठा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे यानी क़यामत के दिन ये सवाल उन तमाम हस्तियों से होगा जिनकी दुनिया में इबादत की जाती थी कालू सुबह वो कहेंगे पाक है तू तू ही इनके तू ही इनके सिवा हमारा कारसाज है बल्कि वो तो जिनों की इबादत करते थे इनके अक्सर इन्हीं पर ईमान लाने वाले थे तो याद रखिए अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना शैतान की इबादत है शैतान की बंदगी है बस आज के दिन तुम में से कोई किसी के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक ना होगा और जिन लोगों ने जुल्म किया हम उनसे कह देंगे इस आग के अजाब का मजा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे और जब हमारी और जब उन पर हमारी वाजे आयात पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि तुम्हें इन बाबूतों से रोक दे जिनकी इबादत तुम्हारे आबाओ इजाद किया करते थे और वो कहते हैं ये कुरान तो एक घड़ा हुआ झूठ है और जिन लोगों ने कुफर किया वो हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ गया कहते हैं ये तो एक वाज जादू है मुशरक़ीन को अजाब क्यों मिलेगा कि हक वाज होने के बावजूद भी कभी, कभी कुरान को झूठ और कभी जादू कहते कह रहे हैं तो ऐसी सूरत में फिर अंजाम जहन्नम ही हुआ करता है और हमने और हमने इन्हें ना तो किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों और ना ही हमने इनकी तरफ आपसे पहले कोई ख़बरदार करने वाला भेजा है यानी क़ुरान से पहले इन मक्का वालों के पास कोई पैगंबर नहीं आया था कोई किताब नहीं आई थी और इनसे पहले के लोगों ने भी जुटला दिया था हालांकि हमने जो इन्हें दिया था ये उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे यानी उनके पास इतना ज़्यादा था इन्होंने मेरे रसूलों को जुटलाया उन्होंने मेरे रसूलों को जुटलाया तो मेरा अजाब कैसा शदीद था यानी पहली क़ौम में ताकत और शान और शौकत में अरबों से बहुत आगे थी लेकिन रसूलों को जुटलाने की वजह से उनका अंजाम तबाही और बर्बादी की शक्ल में हुआ कह दीजिए मैं तो तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और एक, -एक होकर खड़े हो जाओ फिर तुम खूब गौरव फिक्र करो तुम्हारे साथी को कोई जुनून लाक नहीं वो तो तुम्हें एक सख्त अजाब से पहले खबरदार करने वाला है कह दीजिए जो उजरत भी मैंने तुमसे मांगी है तो वो तुम्हारे लिए है मुझे मत दो मांगी ही नहीं थी <laughs> यह बहुत जबरदस्त दलील है कभी दलील मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मा है और वो हर चीज पर खूब गवाह है कि मैं तुमसे इसके बदले को मान लेता हूं या नहीं कह दीजिए बेशक मेरा रब हक बात का इल्का करता है जो सब गैबों का जानने वाला है कह दीजिए हक आ गया और बातिल ना तो इब्तदा करता है और ना वो अदा कर पाएगा यानी बातिल हमेशा के लिए मिट जाएगा और देखा भी गया कि बैतुल्लाह से नबी अलैहि वसल्लम ने वो सारे बुत गिरा दिए तोड़ दिए कह दीजिए अगर मैं भटक गया हूं तो मेरा भटकना मेरी अपनी जात के जिम्मा है और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो ये उस वही की वजह से है जो मेरी तरफ मेरे रब की तरफ से की जाती है बेशक वो खूब सुनने वाला बहुत करीब है यानी अल्लाह सुबहान सब कुछ सुनता है सब कुछ सुनता है और वो बंदे के करीब भी है और अगर आप देखें जब वो घबरा जाएंगे तो भाग ना सकेंगे और करीब की जगह से पकड़ लिए जाएंगे यानी दुनिया के बाद आखिरत की तमाम मंजिलें हैं जिनमें मौत के वक्त फरिश्तों की आमद फिर कब्र में सवाल जवाब फिर कब्रों से निकलना और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना फिर जहन्नम में जाना ये सब कुछ उसमें शामिल है तो कुफार पर जब अल्लाह की गिरफ्त आएगी तो उन पर घबराहट तारी हो जाएगी आज जो लोग बहुत डीगे मारते हैं लेकिन जब दुनिया की मोहलत ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला पकड़ेगा और उन पर घबराहट तारी होगी और उस वक्त उनके लिए बच निकलने की कोई सूरत नहीं होगी दुनिया में भी नहीं है और आखिरत में भी ना होगी वालू अमन्ना भी व अन्ना लहो मु और वो कहेंगे हम इस पर ईमान लाए और उनके लिए दूर की जगह से ईमान हासिल करना क्यों कर मुमकिन होगा तनावश का मतलब होता है कि आसानी से किसी चीज़ को हासिल कर लेना ले लेना यानी ईमान लाने की जगह दुनिया थी जो हमारे पीछे रह गई बहुत दूर रह गई तोबा का वक्त तो मौत से पहले तक का था अब तुम वापस दुनिया में जाकर वो सो सब कुछ नहीं ला सकते और इससे पहले उन्होंने इसका इनकार किया था और वो दूर की जगह से बिन देखे तीर तुक्के फेंकते रहे और इनके दरमियान और जो ये ख्वाहिश करेंगे उसके दरमियान रुकावट डाल दी जाएगी उनकी ख्वाहिश क्या होगी वापस दुनिया में जाए जैसा कि इससे कबल इन जैसों के साथ किया गया बेशक ये एक बेचैन कर देने वाले शक में मुबतला थे सूरत फातिर बिस्मिल्ला الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير सब तारीफे अल्लाह ही के लिए हैं, जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है फरिश्तों को बनाने वाला है जो दो, दो और तीन तीन और चार चार परों वाले हैं वो मखलूक में जो चाहता है इजाफा करता है खूब कुदरत रखने वाला है अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो कोई उसे बंद करने वाला नहीं और जिसे वो बंद कर दे उसके बाद उसे कोई खोलने वाला नहीं और वो गालिब खूब हिकमत वाला है रहमत से मुराद वह नमत जो अल्लाह अपने बंदों को अता करता है तो नेमत देने वाली जात और रोकने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है हम हर नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद कहते हैं ना अल्लाह माने मा आतयला मोती मनात वाल यान्नास एलोगो तुम पर जो अल्लाह की नियमतें हैं उनको याद करो क्या अल्लाह के सिवा कोई और पैदा करने वाला है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता हो उसके सिवा कोई मबूद नहीं तुम कहां से फेरे जाते हो यानी अल्लाह या की नेमतें याद करने का हुक्म दिया जा रहा है नमक हराम ना बनो सोचो किसने दिया है ये सब कुछ तुम्हें? इसलिए फर्मा भी फिर उसी की करो और अगर ये आपको जुटलाते हैं तो यकीनन आपसे पहले कई रसूल झुटलाए गए और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं तोहीद के बाद रिसालत का जिक्र है कुरान करीम में कई मकाम पर रसूलों का हवाला देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई ऐ बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है लिहाजा दुनिया की जिंदगी तुम्हें हरगिज़ धोखे में ना डाले ये हम सब से ख़िताब है दुनिया की जिंदगी से धोखा ना खाएं और ना ही वो बड़ा धोखेबाज़ अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखे में डाले और बड़ा धोखेबाज कौन है शैतान और वो कई तरह से इंसान को धोखे में डालता है किसी को कहता है अल्लाह है ही नहीं ये कायनात खुद चल रही है किसी को कहता है और भी मबूद है किसी को कहता है गुनाह कर लो फिर तौबा कर लेना नेक बन जाना किसी को अल्लाह की रहमत के नाम पे धोखा देता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है जितने चाहो गुनाह करो तो शैतान अक्सर लोगों को धोखे में डाले हुए सोफा के साथ अच्छा मैं जल्दी कर फिर कर लूंगा कर लूंगा इन शैतान बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो उसे दुश्मन ही समझो वो तो अपने गुरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है ताकि वो भड़कती हुई आग के साथियों में से हो जाए यानी शैतान हमेशा से दुश्मन है हमेशा रहेगा और इसकी दुश्मनी की बुनियाद हसद है जो उसे आदम से हुई सजदा करने के हुक्म मिलने पर तो शैतान को फिर दुश्मन ही समझा जाए फतजू अदुबा और शैतान से दुश्मनी का मतलब क्या है कि हर उसकी बात में उसकी मुखालफत की जाए उसके अपोजिट चला जाए और शैतान के ग्रोह से मुराद कौन लोग हैं जो उसके रास्ते पर चलते हैं उसी जैसे काम करते हैं और वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी जहन्नम में ले जाना चाहता है क्योंकि अलमर उमा अमन अहब्बा जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए सख्त तजाब है और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नए अमल किए उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है क्या भला वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल खूबसूरत बना दिया गया हो फिर वो उसे अच्छा समझता हो हिदायत याफ्ता हो सक हिदायत याफ्ता जैसा हो सकता है बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है बस आपकी जान इन पर हसरतें करके ना रह जा ना जाती रहे हसरतें करके ना जाती रहे जो कुछ वो करते हैं जो कुछ ये करते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है और बुरे अमल से मुराद यहाँ कुफर और शिरक है जिसे उसने लोगों के लिए मुजयन कर रखा है गुनाह गुना करने वाला शख्स जो समझता है मैं गुनागार हूँ वो तो तौबा कर लेता है लेकिन जो शख़्स खुद साख्तः नेकियाँ करता है खुद तो ख़ुदसाख्त अमल को नेकी समझता है उसके लिए तो तौबा भी मुश्किल होती है और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है जो बादलों को उठाती हैं फिर हम इसे एक मुर्दा शहर की तरफ हाँक कर ले जाते हैं फिर हम उसके जरिए ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देते हैं दोबारा जी उठना भी इसी तरह होगा मनकाना युरीदत फ़ल्लाज़्ज़त जम ही आ जो कोई इज़्ज़त चाहता है वो जान ले के इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है तमाम पाकिज़ा कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है और वो लोग जो बुरी चालें चलते हैं उनके लिए सख्तरीन अजाब है और इन लोगों का मकर तबाह बर्बाद हो जाएगा कलम तयबा से मुराद तो कल तोहहीद है अच्छी बात है तो हर अच्छी बात अल्लाह की तरफ चढ़ती है लेकिन नापाक बातें ऊपर नहीं जाती तो अमल साले जो होता है वो बातों को बुलंद करता है सिर्फ बात से कुछ नहीं बनता जब तक अमल उसके साथ ना हो अमल उसका कैरियर है और अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर उसने तुम्हें जोड़े जोड़े बना दिया और कोई मादा जो हामिला होती है और बच्चा जनती है वो सब उसके इल्म में होता है और कोई उम्र रसीदा जो उम्र दिया जाता है और उसकी उम्र में जो कमी की जाती है वो एक किताब में लिखा हुआ है बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है यानी मादा के हमल से लेकर पैदाइश तक के सारे मराहल सिर्फ अल्लाह की कुदरत से अंजाम पाते हैं और लोगों की ज़्यादा या कम उम्र सब कुछ एक किताब में लिखा हुआ है कि कौन किस दिन पैदा होगा और कौन किस दिन बौत हो जाएगा और दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए किसी को भी मुश्किल नहीं मोमिन के लिए इस बात में बड़ी तसल्ली और ढारस होती है अगर उसका कोई अज़ीज़ करीब बहुत हो जाए कि एक दिन वो दोबारा पैदा हो जाएगा वो रीबॉर्न होगा तो ये चीज़ उसको एक सुकून देती है कि ये जुदाई हमेशा की नहीं है और दो समुंदर यक्षा नहीं है ये मीठा है प्याज बुझाने वाला और इसका पा ये मीठा है प्याज बुझाने वाला इसका पीना खुशगवार है और यह खारी है नहायत तलख और हर एक से तुम तरोताज़ा गोश्त खाते हो और वो जेवर निकालते हो जिसे तुम पहनते हो और आप इसमें कश्तियों को देखते हैं जो पानी को फाड़ने वाली हैं ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो मीठे और नमकीन समुंद्रों का इकट्ठे होना अल्लाह की वादानियत पर दलील है वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और उसने सूरज और चांद को मुसखर कर रखा है हर एक वक्त हर एक मुक्र वक्त तक के लिए चल रहा है यह है अल्लाह रब तुम्हारा उसी के लिए बादशाहत है और जिन्हें तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुटली के छिलके के मालिक भी नहीं हैं अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं और अगर सुन भी लें तो वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते और क़्यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे और आपको खूब ख़बर रखने वाले की माने कोई और ख़बर नहीं दे सकता या वल्लाहु हुवल हमीद उल्लाहमीद लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बहुत बेनियाज़ खूब तारीफ वाला है यानी इंसान अपनी बका के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए हर तरह से अल्लाह का मोताज है इसलिए हमें अपनी हर ज़रूरत में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए अल्लाह गनी है वो किसी का मोहताज नहीं वो तमाम कमालात और ख़ूबियों का मालिक है अगर वो चाहे तुम सब को ले जाए और एक नई मख़लूक़ को ले आए और यह अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा और अगर कोई बोझ से लदा हुआ शख्स अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो उसमें से कुछ भी ना उठाया जाएगा अगर जो वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो बेशक आप उन्हीं को डरा सकते हैं जो अपने रब से गैबाना तौर पर डरते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कोई पाकिजगी इख्तियार करता है तो बेशक वो अपनी ही ज़ात के लिए करता है नेकी का फ़ायदा खुद इंसान ही को होता है जो करने वाला है और अल्लाह ही की तरफ सब लौटना है तो इससे पता चलता है कि आमद के दिन कोई किसी का जर्रे बराबर भी बोझ अपने ज़िम्मे नहीं लेगा चाहे कितना करीबी रिश्तेदार हो और अगर कोई चाहे भी तो उसका ले ही नहीं सकता और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं तो काफिर और मोमिन कैसे बराबर हो सकते हैं और अंधेरे और रोशनी बराबर नहीं और ना अंधेरे और ना रोशनी यानी कुफर और ईमान एक जैसे नहीं वल्लु व जन्नत और जहन्नम एक जैसे नहीं और न जिंदा और मुर्दा बराबर हैं वो शख्स जो जिसका दिल जिंदा है ईमान वाला है और वो जिसका दिल मुर्दा है वो कैसे बराबर हो सकते हैं और जो हकीकत में भी बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुनवा देता है और आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं आप तो बस एक ख़बरदार करने वाले हैं बेशक हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो यानी अल्लाह की रहमत है कि उसने लोगों को अंधेरे में भटकता हुआ नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ किसी ना किसी को खबरदार करने के लिए भेजा और अगर ये आपको झुटलाते हैं तो यकीनन इन लोगों ने भी झुटलाया तो यकीन उन लोगों ने भी झुटलाया था जो इनसे पहले हो गुजरे इनके पास इनके रसूल वाज निशानियाँ और सहीफे और रोशन किताब लेकर आए नबी सल वसलम को तसली दी जा रही है फिर मैंने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने कुफर किया तो देखो कैसी थी सज़ा मेरी मैंने ईमान ना लाने वालों को के लिए डांट और धमकी है क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह आसमान से पानी क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा <क्या> फिर उसके ज़रिए हमने ऐसे फल निकाले जिनके रंग मुख्तलिफ़ हैं और पहाड़ों में से कुछ सफ़ेद और कुछ सुर्ख दारियाँ हैं जिनके रंग मुख्तलिफ़ हैं और कुछ गहरे स्याह हैं और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों में से भी ऐसे हैं जिनके रंग मुख्तलिफ़ हैं अल्लाह से उसके बंदों में से बस इल्मे ही डरते हैं जिनको पता चल जाता है अल्लाह की ज़ात की मारफत होती है और आखरत की फ़िक्र होती है बेशक अल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत बख्शने वाला है इन किताब अल्लाह जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उन्हें दिया उसमें से पोषिदा और एलानिया खर्च करते हैं वो ऐसी तजारत की उम्मीद रखते हैं जो हर हरग्ज़ तबाह न होगी अल्लाह से डरने वालों के तीन औसाफ बयान किए गए हैं कि वो किताब की तलावत करते हैं और तिलावत का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता समझना भी उसको फॉलो करना भी फिर नमाज कायम करते हैं ये दूसरी सिफत और तीसरी सिफत उसके दिए हुए में से खुफ़िया और एलानिया हर तरह से खर्च करते हैं लेकिन कुछ लोगों ने जैसे पिछली कौमों में से कुछ लोगों ने जैसे यहूद ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया और उसको छोड़ दिया और नमाज़ कायम करने की बजाय उसको ज़ाया कर दिया ताकि वो इन्हें इनके अजर पूरे पूरे दे और अपने फजल से इन्हें और ज्यादा भी अता करे बेशक वो बहुत बख्शने वाला निहायत कदरदान है और जो किताब हमने आपकी तरफ वही की है वो बिल्कुल सच्ची है उसकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है बेशक अल्लाह अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला खूब देखने वाला है फिर हमने उन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया फिर कोई तो उनमें से अपनी जान पर जुल्म करने वाला है और कोई उनमें से म्याना रो है और कोई उनमें से अल्लाह के इजन से नेकियों में सबकत करने वाला है यही बहुत बड़ा फजल है तो अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए बंदों को इस किताब का वारिस बनाया तो वारिस बनने वाले तीन किस्म के हैं जालिम जो अपने जान पर जुल्म करते हैं उनकी नेकिया गुनाहों के मुकाबले में कम है मुख्त जिनके नेक और बुरे अमाल बराबर बराबर हैं और सबक़ उन बिलखैरत जिनके नेक नए उनकी बुराइयों से ज़्यादा हैं ऐसे लोग हमेशगी वो जन्नतों में दाखिल होंगे हमेशगी के बाग़ात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे उनमें वो सोनन सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे वहाँ उनका लिबास रेशम होगा यानी तीनों ग्रोहों के लिए जन्नत है लेकिन दर्जे फ़र्क होंगे और वो कहेंगे सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमसे गम दूर किया बेशक हमारा रब यकीनन बहुत बख्शने वाला निहायत कदरदान है तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो हाथ से जाने वाली है जिस पर इंसान को गम होता है और कोई नेमत भी बाकी रहने वाली नहीं लेकिन जन्नत में कोई खौफ और गम नहीं होगा क्योंकि वहां कोई नमत जाने वाली नहीं होगी वह जिसने हमें अपने फजल से दायमी क़्याम के घर में ला उतारा उसमें हमें ना कोई मशक्क़त पहुँचेगी और ना ही कोई थकावट होगी जन्नत में हमेशा रहना महज अल्लाह का फजल है और कोई शख्स अपने अमल से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए जहन्नम की आग है ना उनका काम तमाम किया जाएगा कि वो मर जाए और ना ही उनसे कुछ उसका कुछ अजाब भी हल्का किया जाएगा हर ना शुक्र को हम इसी तरह बदला देते हैं जन्नत वालों के बाद जहन्म वाले बद का जिक्र है और वो लोग उसमें चिल्लाएंगे ए हमारे रब हमें निक हमें निकाल ले हम नेक अमल करेंगे बर खिलाफ़ उसके जो हम किया करते थे कहा जाएगा क्या भला हमने तुम्हें इतनी उम्र न दी थी कि उसमें जो नसीहत हासिल करना चाहता तो कर सकता था और तुम्हारे पास खबरदार करने वाला भी आया था बस अजाब का मजा चखो तो ालिमों के लिए कोई मददगार ना होगा यानी जहन्नमी दुनिया में वापस जाने की तमन्ना करेंगे तो अल्लाह ताली क्या फरमाएंगे कि तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी गई थी कि तुम ये सब अपने आप को ठीक करके आते हदीस में आता है अल्लाह ने उस आदमी का उजर ख़त्म कर दिया जिसकी मौत में इतनी देर की कि वो साठ वर्ष की उम्र को पहुंच गया यानी साठ साल का भी हो के अगर कोई नेक काम नहीं करता तो उसके पास कोई बहाना नहीं होगा बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन के गैब जानने वाला है बेशक वो सीनों के भेद भी खूब जानता है यानी अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ मख्फी नहीं वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाया फिर जिसने कुफर किया तो उसके कुफर का बवाल उसी पर होगा और काफिरों को उनके कुफर, उनके रब के यहाँ नाराज़गी में ही ज़्यादा करता है और काफिरों को उनका कुफर खसारे में ही ज़्यादा करता है कह दीजिए क्या तुमने अपने उन शरीकों को देखा जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो दिखाओ दिखाओ मुझे उन्होंने ज़मीन में से क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी कोई शराकत है या हमने उन्हें कोई किताब दी है तो वो उसकी किसी दलील पर क़ायम है बल्कि ये जालिम एक दूसरे से धोखे ही के वादे करते हैं बेशक अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है इससे कि वो दोनों अपनी जगह से टल ना जाएं और अगर वो दोनों टल जाए तो उसके बाद कोई भी उन दोनों को थाम ना सकेगा बेशक वो बहुत हिल वाला बहुत बख्शने वाला है तो मतलब यह कि खुद साख्ता मबूद भी अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे कहा कि किसी और को सहारा दें उनके बरकसल्लाह की शान ये है कि वो आसमान और जमीन को सहारा दिए हो तो तुम्हें सहारा देना क्या मुश्किल है उसके लिए कि तुम उसे छोड़कर इनकी तरफ आते हो वह अकसम बिल्ला जहदा मान और उन्होंने अल्लाह की पक्की कस्में खाई थी कि अगर उनके पास कोई डराने वाला आया तो वह जरूर तमाम उम्मतों से ज्यादा हिदायत याफ्ता होंगे फिर जब उनके पास एक डराने वाला आ गया तो उसके आने ने उनको नफरत ही में ज्यादा किया इस्तिकबारन फिल अर्द जमीन में तकबर करने और बुरी चाल चलने की वजह से और बुरी चाल अपने चलने वाले को ही घेरती है तो क्या ये पहलों का तरीके क्या ये पहलों के तरीके का इंतजार कर रहे हैं बस आप अल्लाह बस आप अल्लाह के तरीके को हरगिज तब्दील होने वाला ना पाएंगे बस आप बस आप सॉरी और आप अल्लाह के तरीके को हरगिज़ फिरने वाला ना पाएंगे यानी अल्लाह ताला अपने इरादे को तब्दील नहीं करता कि जिस कौम को सजा देनी उसको छोड़ के किसी और को दे दे क्या भला ये जमीन में चले फिरे नहीं, नहीं तो ये देख लेते वरना ये देख लेते कि इनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा हुआ हालांकि वो कुव्वत में इनसे ज़्यादा शदीद थे और अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों और ज़मीन में कोई चीज़ उसे आजिज़ कर सके बेशक वो खूब जानने वाला बहुत कुदरत वाला है यानी अल्लाह हर किसी को पकड़ सकता है उसकी गिरफ्त से कोई भी भाग नहीं सकता कोई चीज़ अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकती उसकी पकड़ से बच नहीं सकती और अगर अल्लाह लोगों को उनके किए की कि बदौलत पकड़ लेता तो इस जमीन की पुष्ट पर कोई जानदार न छोड़ता लेकिन वो उन्हें एक वक्त मुकरर तक मोहलत देता है फिर जब उनका वो वक्त आ जाएगा तो यकीन अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है यानी अल्लाह से ना कोई छुप सकता है ना किसी का हाल पोशीदा है सूरत यासीन बिस्मिल्लाहान रहीम والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يا سين قسم هي حكمة قرآن کی حكيم کا ایک مطلب ہے کہ قرآن دانائي وحكمة سے इसमें कोई बात अक़ल के खिलाफ नहीं और ना कमतर दर्जे की है और दूसरा माना है कि कुरान इंतहाई मोहकम और मज़बूत है इसकी आयात में कोई बाहमी इख्तलाफ नहीं तो कसम खा के तीन बातें की गई नंबर एक ये कि आप रसूलों में से हैं नंबर दो सीधे रस्ते पर हैं नंबर तीन ये अज़ीज़ और रहीम हस्ती का नाजिल करता है इनकलमिनमरसलिन बेशक आप रसूलों में से हैं अल्लाह से अरातम मुस्तकीम सीधे रास्ते पर हैं तंजील रहीम ये क़ुरान बहुत ज़बरदस्त नहायत रहम करने वाले का नाजिल करदा है यानी कुरान किसी बेख्तियार बेबस शख्स का कलाम नहीं अल्लाह का कलाम है इंसानों की हिदायत के लिए आया है किस लिए आया है ले तुंदरा दिरा आबा उहुम फ़हम ग ताकि आप ऐसे लोगों को ख़बरदार कर दें जिनके आबा अजदाद खबरदार नहीं किए गए थे लिहाजा ये गाफिल हैं मनी आपको भेजे जाने का ये मकसद है आप सिर्फ़ अरबों के लिए नहीं भेजे गए क्योंकि आप यानी आपके अव्वल मुखातिब अरब ज़रूर थे लेकिन उसके बाद आपकी नबूवत सारी दुनिया के लिए हैक्लवाला अक्सर हिमफ हमला बेशक इनके अक्सर लोगों पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है बस ये ईमान नहीं लाएंगे हक्कुल कौल से मुराद अल्लाह का अजाब है यानी क्यों आएगा इन पर हक़ वाज़ होने के बाद कुफर पर अड़ने के लिए अड़ने की वजह से तो अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर इनको जहनवी लिखा हुआ था अल्लाह को पहले से ही पता था ये ढीठ लोग हैं ये नहीं मानेंगे लेकिन अल्लाह ने उन्हें ज़बरदस्ती ईमान से महरूम नहीं किया अनना जानाफ़ी आना कि हिम अगलाल पही अल अफ़ान फ़हम मुकमहहून बेशक हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं तो ये ठोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं बस ये सर ऊपर को उठाए हुए हैं यानी ये कुफर पे अड़ने वालों की मिसाल है कि जैसे किसी के गर्दन में तोक हो और वो गर्दन अकड़ा के खड़ा हो तकबर से इनका यही हाल है बिल्कुल किसी बात को सुनते नहीं झुकते नहीं और मानने के तल, मानने के लिए तैयार नहीं और हमने इनके सामने एक दीवार और इनके पीछे एक दीवार बना दी है फिर हमने इन्हें ढांक दिया बस ये देख नहीं पाते यानी तोह के साथ साथ उन्हें आसपास से ढांक भी दिया गया है लिहाजा वो कहीं नहीं देख सकते जैसे आप लिफ्ट में जाते हैं ना कहीं तो क्या होता है चारों तरफ से एक बंद कमरे में आ जाते हैं तो अगर आप कहें कि बाहर देखें लाई को शीशे की वरना तो आप बाहर देख ही नहीं सकते तो बिल्कुल इनका यही हाल है कि ये अपने तकबर में इतने गर्क हैं कि इनको हक नज़र ही नहीं आ रहा और खा आप इन्हें डराएं या ना डराएं इन पर बराबर है ये ईमान नहीं लाएंगे इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें समझाना और तबलीग करना छोड़ दें मतलब ये है कि जब आप ये काम करेंगे तो आपको दो तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा एक तो वो जिन पर आपकी तबलीग असर करेगी और दूसरे वो जो अपने कुफर और शिरक पर बजीद रहेंगे यहाँ उन्हीं लोगों का जिक्र किया गया है बेशक आप तो उसे ही डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे बस आप उसे बख्शिश और इज्जत वाले अजर की खुशखबरी दे दीजिए नसीहत कौन कबूल करता है जो डरता है इन्ना नहनु नुहील मौता व नक्तुबु मा कद्दमु व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो अमाल उन्होंने आगे भेजे और उनके आसार को भी और हर चीज को हमने एक वाज़े किताब में शुमार कर रखा है तो इससे पता चलता है कि कोई माने या ना माने सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है इन्ना नाहमऊता ताकीद पर ताकीद लाजमन हम जिंदा करेंगे मुर्दों को और फिर उनको बदला कैसे देंगे उनके अमाल के मुताबिक और अमाल नामे तो लिखे जा रहे हैं यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी अमल करता है वो लिखा जाता है एक छोटी सी आह भी लिखी जाती है और फिर सिर्फ वो नहीं अमाल नामे में होंगे बल्कि एक मरने वाला अपने पीछे क्या गवाहियां छोड़ के जाता है क्या आसार छोड़ के जाता है वो भी लिखे जाते हैं और वो अमाल नामे में साथ तोली जाएंगी और आसार में इंसान की औलाद भी आसार में से है उसका इल्मी विरसा भी आसार में से है उसने लोगों पर जो इम्प्रेशन डाला उसको देख कर कितने लोग मुसलमान हुए और कितने और दूर भाग गए ये सब भी उसके आसार में से है या इसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई सदका जारिया के काम करता है कोई मस्जिद बनवाता है कोई मदरसा बनवाता है कोई इसी तरह पानी का इंतज़ाम करता है या कोई भी नेकी का काम करता है जो उसके मरने के बाद बाकी रहता है और लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं तो वो सब भी उसके आसार में लिखा जाता है <क्यों> तो इस आयत से और अहदीत से दावत व तालीम और जहाद फी सभी की अमल की अज़मत और फजीलत मालूम होती है फिर इससे मुराद नेकी या बदी की तरफ चल कर जाने वाले कदम भी हैं यानी निशानात तो वो भी लिख लिए जाते हैं जाबिर रज़ील्ला कहते हैं कि मस्जिद नबी के इर्द गिर्द कुछ ज़मीन के हिस्से खाली हुए तो बनमा ने इरादा किया कि मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने फ़रमाया मुझे पता चला है कि तुम तो मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा रखते हो उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह हमने ये इरादा किया है आपने फ़रमाया बनी सलमा दिया रकुम तु तब आसारकुम दिया रकुम तु तब आसारकुम सलमा अपने घरों में रहो जहाँ रहते हो वहीं रहो तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाएंगे नहीं वो कदम जो तुम मस्जिद की तरफ उठा के आते हो तो वो लिख लिए जाते हैं और दो दफ़ा ये बात फरमाई वक़ुल्ला शई सई हुफी इमाम मुबीन इमाम मुबीन से मुराद लोहे महफूज है हर छोटा बड़ा काम जो हो रहा है वो सब अल्लाह ने लिखा हुआ है बद्रबल अबरियत मुरसलून और आप इनके लिए बस्ती वालों की एक मिसाल बयान कीजिए जब इनके पास रसूल आए अब बस्ती कौन सी तो उसका नाम नहीं बताया गया रसूल कौन से थे उनका नाम भी नहीं बताया गया बहर ताकि असल चीज पर फोकस रहे एक बस्ती थी जिनके पास जिन जिसके रहने वालों के पास रसूल आए थे जब हमने उनकी तरफ दो रसूलों को भेजा तो उन्होंने दोनों को जुटला दिया फिर हमने उन्हें तीसरे के साथ कुत बख्शी तो उन सब ने कहा बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं यानी हम रसूल हैं तीनों पैगम्बरों ने यह बात कही उन्होंने कहा तुम हमारी तरह के इंसान ही तो हो और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी तुम महज झूठ बोलते हो यह था बस्ती वालों का जवाब हम तुम्हें क्यों मान ले तुम भी तो हमारे जैसे इंसान ही हो कोई फरिश्ते नहीं हो कुछ और नहीं मखलूक लू रबुनालम इना मुरसलून उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि हम यकीन तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं यानी सुनने वाला जितनी शिद्दत से इनकार करे उतनी ही ताक़द के साथ अपनी बात को पेश करना चाहिए इन्ना इलाई कुमल मुरसलून और फिर रब को गवाह बना रहे हैं और हमारे जिम्मा तो सिर्फ खुलम खुला पैगाम पहुँचा देना है यानि रसूलों का काम तबलीग करना है लोगों के मुतालबे पूरे करना नहीं उन्होंने कहा बेशक हम तुम्हें मनहूस समझते हैं अगर तुम बाज ना आए तो हम जरूर तुम्हें संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें जरूर दर्दनाक अजाब पहुँचेगा यानी जब बस्ती वाले दलील के साथ जवाब नहीं दे सके तो धमकी पे उतर आए और यही हाल होता है अक्सर लोगों का और कहा कि हम तुम्हें संसार करेंगे पत्थर मार के हल्क करेंगे और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा उन्होंने कहा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे ही साथ है क्या इसलिए इसे नहुसत कहते हो कि तुम नसीहत किए गए हो बल्कि तुम हद से बड़े हुए लोग हो असल बात यह कि इंसान हमेशा ये समझे कि इंसान पर अगर कोई भी मुसीबत आती है उसके अपने की के बदौलत आती तायरुकुम मकुम इसलिए किसी जगह को मनोहू समझ लेना किसी इंसान को मनहूस समझ लेना किसी काम को मनहूस समझ लेना ये दुरुस्त नहीं मजा अमिन नक्सल मदीन तजुल यसा कला या कौम तबरसलिन और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया वो बोला ऐ मेरी कॉम इन रसूलों की पैरवी करो करीब वालों को तोफ़ीक नहीं हुई दूर से सुन के एक आ गया इंसान की कोशिश ज़ाया नहीं जाती वो एक माना था ना? उसका जिक्र अल्लाह ने क़ुरान में कर दिया और आज हम सब पढ़ते हैं और हमारा ईमान ताज़ा होता है उसके ईमान को देख और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया वो बोला अमेरी कॉम इन रसूलों की पैरवी करो पैरवी करो उनकी जो तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करते जबकि वो हिदायत याफ्ता हैं। ये उसने देखे कैसे पहचाना नंबर एक इस बात से कि अपने काम पे तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और नंबर दो ये कि वो उनका रहन सहन उनका लाइफ स्टाइल बहुत हिदायत याफ्ता है हिदायत पर है लिहाजा तुम भी हिदायत पे आ जाओगे अगर इनकी बात मान लोगे व आखर उदावाना हमदिल्लाबीन सुबहानल्लामदिका अशदअालंता अस्त फिर रुका व अतूब अल्क जैसा कि आपको यह मालूम हो चुका होगा अल्लाह तजा से मेरे छोटे भाई कल फौत हो गए हैं पिछले एक साल से उनका कैंसर डायग्नोज़ हुआ था और काफ़ी तकलीफ़ में थे काफ़ी ट्रीटमेंट्स करवाई लेकिन हर हर शख्स की पैदाइश से पहले ही उसकी मौत का दिन भी लिखा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ला आखिरी वक्त में अल्लाह को याद करते हुए दुनिया से रुख्सत हुए माथे पर पसीना भी आया और फौत होने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे स्माइल कर रहे हों मोमिन को जो भी कोई तकलीफ़ आती है उसके गुनाहों का कफ़ारा होती है और मोमिन हमेशा अल्लाह की ऱा पर राज़ी रहता है हम भी अल्लाह की ऱा पर राज़ी हैं इन्ना अल राज उन बेशक हम भी अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सब ने वापस जाना है तो कोई पहले जाने वाला है कोई बाद में जाने वाला है तो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि आप उस संजीदगी के साथ नमाज के बाद दिल से एक दफ़ा उनकी बख्शिश की दुआ कर दें और उनके दर्जात की बुलंदी की चूँकि ये एक रस्म बन जाती है कि इजतमाही दुआ की जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कुछ वो है नहीं रात अलहमदल इमाम साहब ने चार तरावी के बाद नमाज जनाजा में बहुत अच्छी दुआएं कर दी हम उनके ममनून और मशकूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा जनाजा हुआ अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला इस सारे को उनकी अच्छी गवाहियों में कबूल करे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बच्चों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और उनकी वाइफ जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 97 से अलुदा के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छी ख़ातून हैं और इस इस तकलीफ दह बीमारी में जिस तरह उन्होंने अपने शोहर का साथ दिया वो अमेजिंग है, है। अमेजिंग यानी ये अल्लाह ही की खातिर इंसान अगर किसी का ख्याल रखे तो इतना रख सकता है कि एक शख्स जो मुसलसल पेन में हो तकलीफ़ में हो रोज़ हॉस्पिटल लेके जाना हो कीमो पे कीमो हो रही है तो इंसान इंसान ऊपर वाला इंसान जो है वो कम सफ़र नहीं करता बच्चे भी और पेरेंट्स यानी मदर भी बहुत सफ़र कर रही थी तो अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन ज़ाए ख़ैर अदा करें हम आमतौर पर जाने वाले को याद रखते हैं और जो लोग उनके केयर टेकर होते हैं उनको भूल जाते हैं तो हम सब के लिए दुआ हैं अल्लाह ताला आपको भी बेहतरीन जजाए खैर अदा करें तो, व सुहानक्ला हमदा अशददुल्लांत इला अस्त व रुकावा अतुबिले बस यही सारी ताज़ियत मेरी आपके साथ हो गई तो आप भी अपना वक्त बचाइए मैं भी अपना वक्त बचाती हूँ और असल चीज़ दुआ है क्योंकि मुर्दे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुआ से ही होता है हमारे रोने से या किसी और चीज़ से नहीं अच्छा ये इस सवाब के तरीके पैम्फलेट एक अलुदा में तैयार किया गया था जब भी कोई किसी का अजीज प्यारा चला जाए तो बाद वाले उसके लिए क्या कर सकते हैं दुआ के अलावा तो इसमें आप पढ़ सकते हैं तो